जाने का है नहीं, देहरादून कहाँ से जाए। मतलब आप तो बिल्कुल कैद हो गए हो घर पे। सही है, वेरी गुड। हाउ आर यू सर? थैंक यू सो मच फॉर यू नो जॉइनिंग अस, एंड यू नो इट विल बी अ ग्रेट इंटरेक्शन। आई एम श्योर द टीम इज आल्सो एंथुसियास्टिकली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। प्रीति सर, आई हैव बीन इंटरेक्टिंग राइट द मेल्स एंड एवरीथिंग। सो व्हाट वी जनरली डू इज बेसिकली यू आर speaking, we all will be in mute mode and the camera won't be on, but as the interaction starts, the question starts, whoever speaks generally switches on the camera, you know, so that we can each other and interact. But for some part, if I ask everybody to keep the camera on, that's possible? Yes, that's possible. That's possible. Yes. Good. So has everybody joined? Are we waiting? What's this? I think we will just wait for another two Absolutely. Minutes and then start. You know, we already have around 26 participants, and some of us from West Bengal, you know, because of the conditions there, you know, they might join. Yes, sir. As far as West Bengal is concerned, this Rukmini just managed to give me a call saying don't wait up because connectivity is pretty bad. I have spoken to them, sir. Yeah, so she just spoke to me right about a minute back and saying just continue. Okay, great. Great. I think more or less we are all there then. Yes, sir. So, Subir sir, over to you. We can start. We can start. Okay. So, everyone, hello. If we were face to face, you know, I would ask each of you to introduce yourself. But in this way, it is going to take a lot of time. So, we'll just begin straight away. Agar main Hindi mein baat karun to chalega sab logon ke liye theek hai? Or do people need it to be in English? Hindi will be better. Hindi will be better. Very good. Okay. Yes. So, तो मुझे वो सबके questions भी मिले और मैंने उनको देखा, उसके बारे में सोचा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं तीन हिस्सों में बात करूँगा। पहले मैं सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, बच्चे कैसे सीखते हैं, क्लासरूम में कैसा प्रोसेस होना चाहिए, पहले उसकी थोड़ी देर में बात करूँगा। और फिर मैं बात करूंगा कि शिक्षक कैसे सीखते हैं, क्योंकि एक ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था कि शिक्षकों को नए तरीके सीखने सिखाने की मदद करने का क्या की क्या प्रक्रिया हो सकती है। और थर्ड जो हिस्सा है उसमें मैं बात करूंगा कि अभी कोरोना के टाइम में हम लोग क्या करें अपने स्कूलों में जिससे कि बच्चे और ज़्यादा सीखें। और बीच बीच में मैं रुकूंगा, पूछूंगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और होपफुली वी विल बी एबल टू मैनेज इन गुड टाइम। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ सीखने के प्रोसेस को लेकर, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आया है। अगर आप इसको और समझना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा मेरे साथ। डज एवरीबडी हैव अ नोटबुक? यस सर। वेरी गुड। तो आप अपनी नोटबुक से एक इतना बड़ा कागज का टुकड़ा निकालिए। यस सर। अबाउट दिस बिग। अभी मैं आपके साथ जो करने जा रहा हूँ आपने बचपन में हो सकता है किया हो, हाँ? और अगर नहीं किया है तो ये बहुत सही समय है इसको करने का। निकाल लिया? जी सर, बाकी लोग निकाल लिए। ठीक है, मान के चलते हैं। निकाल लिया सर। वेरी गुड। अब इसको ऐसे पकड़िए जैसे मैं पकड़ा हूँ, उसको दबाइए नहीं, ऐसे करेंगे ना, सामने गोल गोल साइज हो जाएगा ये। अब इससे आपको पता लग जाएगा सेंटर पॉइंट क्या है। वो सेंटर पॉइंट से थोड़ा ऊपर आप पकड़ेंगे ना तो एक तरफ 40% हो जाएगा, एक तरफ 60% हो जाएगा। देखिए, एक लंबी साइड, एक छोटी साइड। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब इसको थोड़ा सा एक चौथाई 1/4 फाड़ देना है और जो लंबी साइड है उसको ऐसे मोड़ देना है। जस्ट सी, मैंने थोड़ा सा फाड़ के एक तरफ जो लंबी साइड है उसको मोड़ दिया है। ओके, अब यही काम दूसरी तरफ करना है, उसको एक चौथाई फाड़ना है और थोड़ा सा फाड़ने के बाद लंबी साइड को अंदर की ओर मोड़ देना है। जब आप मोड़ देंगे ना तो आपको एक ऐसा मिलेगा फिगर स्पेड की तरह। ऐसा किया सबने? जी। जिसने ऐसा नहीं किया उसका जीवन अधूरा रहने वाला है, ठीक है?
ओके अब ये जो लंबी साइड है ना उसको थोड़ा सा मोड़ देना ऐसे नीचे की ओर. अब इसके बाद एक ही और कदम बचा है. ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको बीच से थोड़ा सा फाड़िएगा, बहुत ज्यादा नहीं, 60% के करीब फाड़ के थोड़ा सा ऐसा फैला दीजिए. आपके पास एक ऐसी चीज बन के आ जाएगी, ये जरूर आपने कभी ना कभी बनाई होगी. ऐसा बना लिया सबने? जब बना ले तो मुझे बताइए. यस ओके. अब इसको ऐसे पकड़ के ना आपको हवा में छोड़ना है और देखना है कि क्या होता है. गया. हुआ जी सर. क्या हो रहा है उसमें? उड़ेगा ऊपर. वो उड़ते हुए नीचे आ रहा है, वो हिलते हुए वो अर्थ की ओर आ रहा है. गोल गोल घूम के नीचे आ रहा है. हां नीचे आ रहा है. गोल गोल नीचे आ रहा है. गोल गोल घूम करके नीचे आया. करेक्ट. ऑलराइट. अब बताओ ये गोल गोल क्यों घूम रहा है? पृथ्वी गोल है. गोल है. उसका मन कर रहा है. हवा का दबाव दोनों तरफ लग रहा है इसमें. दोनों तरफ अगर दबाव बराबर है तब तो घूमना नहीं चाहिए. कुछ तो कारण होगा ना, क्यों घूम रहा है? नीचे आते समय हवा को काटते भी आता है ये, तो इस वजह से घूमता है. ठीक है. ऑलराइट. क्या इसको आप देख के बता सकते हैं कि ये किस तरफ घूमेगा, दाईं ओर की बाईं ओर, कैसे ये बता सकते हैं आप? ये क्लॉकवाइज, ये घड़ी की दिशा में घूमेगा कि उल्टी दिशा में घूमेगा, ये अपने इसको देख के आप बता सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? एंटी क्लॉक जाएगा सर. जैसे मेरे हाथ में जो ये वाला है, अब ये जब मैं छोड़ूंगा तो ये ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा? आप अपने में देखिए, आप देख के कैसे पता करते हैं कि किस साइड घूमेगा? वो एयर का प्रेशर डिसाइड करता है सर, जिस तरफ से ज्यादा अगर लगता है उस तरफ वो मोड जाता है. एक बार इसको ऐसे थोड़ा सा पकड़ के छोड़ो, देखो किस दिशा में घूमता है. एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है सर. ठीक है. अब जैसे इसके जो पंख थे ना, इसको ऐसे उलट दो, अभी भी उसी दिशा में घूमेगा? अब दूसरी दिशा में घूम रहा है. अब दूसरी दिशा में घूम रहा है. तो ये एयर प्रेशर डिसाइड कर रहा है कि आप डिसाइड कर रहे हैं? क्या इसकी गति तेज और धीमी की जा सकती है? अगर हम सच में आमने सामने होते हैं तो हम लोग इस पर काफी देर काम करते हैं और ये बात करते हैं कि क्या है जो तय करता है कि ये कितनी गति से घूम रहा है और कैसे इसको तेज करें और धीमा करें. ये जो मैंने आपके साथ पूरी प्रक्रिया बहुत छोटे से रूप में की, इस प्रक्रिया में चार चरण होते हैं और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जितनी बातें हम लोग करने जा रहे हैं ये उसका आधार है. सबसे पहले हमने एक मजेदार, रोचक, चुनौतीपूर्ण अनुभव पैदा किया, इसको बनाने का, इसको उड़ाने का. अगर हम इतना करके छोड़ दें तो ये सीखने की प्रक्रिया नहीं होती है, ये केवल एक क्रिया है जिसमें आपको मजा आया. सीखना तभी होता है जब आपने जो किया है उस पर आप सोचें, यानी जो हमारा अनुभव है उस पर अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो वो अनुभव अनुभव ही रह जाता है, चिंतन में नहीं बदलता, सीखने में नहीं बदलता है. अगर आप चाहते हैं कि वो सीखने में बदल जाए तो आपको उस पर सोचना बहुत जरूरी है. इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ये क्यों घूम रहा है, कैसे पता करेंगे किस दिशा में घूम रहा है, ये एक उसके चिंतन का एक उदाहरण था. अगर मैं वास्तव में इसको क्लास में करूंगा तो मैं अच्छे से 40-45 मिनट लगा के करूंगा. ये तो एक हमारा छोटा सा एक वेबिनार है इसलिए हम इसको 5 मिनट के अंदर करके छोड़ रहे हैं, पर ये लंबे समय की चीज है. उसमें हम बात करते हैं कि ये क्यों घूम रहा है, कैसे पता करेंगे किस दिशा में घूम रहा है. लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे समझ बढ़ने लगी, जो समझ हमारी बन रही है उसको तुरंत अप्लाई करना, लागू करने की कोशिश हमने की. ये काम मैंने ज्यादा नहीं किया यहाँ पे, पर मैं क्लास में ये बात करूंगा कि कैसे बदलें, कितनी स्पीड से ये घूम रहा है. कुछ करने से ये धीमा हो जाता है और कुछ करने से ये तेज हो जाता है. और एंड में फिर मैं बात करूंगा इससे हमने क्या किया और क्या निकल के आया, हमने क्या सीखा, क्या जाना.
एयर प्रेशर के बारे में क्या जाना, सरफेस एरिया और एयर प्रेशर के कनेक्शन के बारे में हमने क्या जाना। अगर मैं ये काम करूं तो ये कौन सी क्लास के लिए ठीक होगा आपकी समझ में? क्लास फोर, ओके। और कोई? फिफ्थ में चलेगा सर जी, फोर्थ फिफ्थ बड़ी क्लास, थोड़ी सी बड़ी क्लासेस के लिए ना। विषय कौन सा होगा ये तो सब जानते ही हैं। सो ये साइंस में मैं इसको यूज करूंगा और थोड़ी बड़ी क्लासेस में फिफ्थ सिक्स सेवेंथ तक मैं इसको मैं यूज कर सकता हूँ। ये जो मैंने काम किए इसके चार जो चरण थे उनको बोलते हैं एक्सपीरियंस अनुभव, रिफ्लेक्शन चिंतन, प्रयोग एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग बोलते हैं उसको, और एंड में जो समझ बनती है उसको बोलते हैं समेटना, हम लोग जो समेटते हैं उसको कंसोलिडेशन। तो एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन, ये मिला के सीखने का एक चक्र है। जब लोग आपने सुना होगा, सब लोग बोलते हैं ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हमारे NCF 2005 से हमारे देश में हम लोग बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये हुआ कि ऐसे रोचक अनुभव पैदा करना कि बच्चे को भाग लेने का मन तो करे ही, लेकिन भाग लेने के बाद उस पर वो इस प्रकार सोचे कि वो किसी चीज को समझने की ओर बढ़े। शिक्षक थोड़ी उसकी मदद जरूर करेगा लेकिन बच्चा खुद ही सक्रिय होकर अपनी समझ को पैदा करेगा। इसीलिए बोलते हैं रचनावाद, यानी बच्चे को रचना है उसे। ये चीज केवल बड़ी कक्षाओं के लिए नहीं है, ये सभी अलग अलग कक्षाओं के लिए हो सकती है। यहाँ पे मेरे कुछ लोग दिख रहे हैं, एक है रामचंद्र जी। रामचंद्र कोई एक शब्द बोलिए जो ऐसा ऐसी चीज का नाम हो जो बच्चे जानते हैं आपके यहाँ। रामचंद्र जी, can we give this option to somebody else also sir? You just see कौन है? सुनील, सुनील क्या आप बोलना चाहोगे कोई एक ऐसा शब्द जो आपके इधर बच्चे जानते हैं? पतंग, पतंग, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, अब प्रीति आप मुझे कोई ऐसा शब्द बोले जो पतंग से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। आम, आम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सबके लिए है, हाँ कोई भी बोल सकता है कि एक ऐसा वाक्य मुझे दीजिए जिसमें पतंग भी है और आम भी है। हेलो सॉरी, जिसमें पतंग भी है और आम, आम मैंगो दोनों होने चाहिए। आम के पेड़ पर चढ़कर पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है। पृथ्वी बोल चुका है, अब केरल बोलिए। इसको थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं, आपके आप ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें 12 शब्द हों। मैं पतंग उड़ा रहा था जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत आम का चित्र बना हुआ है। ठीक है, ओके। कोई और बोले? मेरा पतंग उड़ते उड़ते आम की सबसे ऊपर वाली टहनी में जाकर फंस गया। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। जो बोल रहा है प्लीज अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा। हाँ, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस कौन बोलना चाहेगा? दिनेश? ना मुझे, यस मैम, ना मुझे पतंग उड़ाना पसंद है, ना आम खाना पसंद है। हाँ, तो इसमें 12 हो गए शब्द ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, ऑलराइट। तो अभी मान लीजिए मैं क्लास में हूँ और ये कौन सी क्लास के लिए ठीक होगा ये वाला अभ्यास? स्टैंडर्ड 3, कक्षा 3, 4, 5 कौन सी के लिए ठीक है? तीन चार के लिए ना। तो अब हम पहले 6, 7 में थे, अब हम 3, 4 में आ गए है ना। तो ये जो मैंने अभी आपके साथ काम किया ये हमारे जो चक्र है ना, अनुभव चिंतन प्रयोग और समेटना का, ERAC जिसको हम बोल रहे हैं, ये उसका पहला ही चरण है। ई यानी एक्सपीरियंस, हमने एक इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रचा बच्चों के लिए। अभी ये पूरी गतिविधि नहीं हुई, अब मैं ये
अभी हम लोगों ने कई सेंटेंसेस सुने, आपको सबसे मजेदार सेंटेंस कौन सा लगा बताइए। कोई भी बोल बोल सकता है। आम वाला सबसे ऊंची टहनी में जाके पतंग लगी। हाँ, और एक वो क्यों मजेदार लगा बताइए। सूटेबल समथिंग, जो काफी सूटेबल था वो वाक्य। सूटेबल का मतलब क्या हुआ, किस तरह से सूटेबल था? मतलब वो जैसे यहाँ सही में जो पतंग उड़ाते हैं और अगर पतंग कट गया तो वो ऊंचे वाले कहीं पेड़ पे वगैरह पे ही जाकर के वो अटकती है। एक थोड़ा अनुभव से जुड़ा हुआ था, है ना जी, बच्चों के साथ होता ही है। कनेक्ट कर पा रहे थे। हाँ, कनेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने केवल वाक्य की बात ही नहीं की, पर ये भी थोड़ी सी बात की कि क्या होने पर वो वाक्य हमको ज्यादा अच्छा लगता है। कोई और कारण जिसकी वजह से कोई और वाक्य अच्छा लगा हो? नहीं, ये भी एक वास्तव चीज था, जैसे होता है, ये जेन्युइन होता है, तो इसलिए मतलब जोड़ पाते हैं। हाँ, ठीक है। अब मैं आपको एक और वाक्य देता हूँ। हमीद, आप कहीं हैं? हमीद रजा, कोई एक शब्द बोलिए जो बच्चे जानते हो, कोई ऐसी चीज। अभिमन्यु, हामिद सुन सकते हैं? लीफ, पत्ती। और किरणजीत दिख रहे हैं मुझे। किरणजीत, एक ऐसा शब्द बोलिए जो लीफ, पत्ती से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। लीची। लीची, लीची, ओके। एक और कोई शब्द मुझे मिल जाए कहीं से। गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने लिया लीची और हमने लिया गुल्ली डंडा। अब मुझे एक ऐसा वाक्य बनाइए जो हमारे अनुभव से जुड़ा हो। अभी हमने बात की थी ना, कौन से वाक्य को अच्छा मानते हैं हम, और जिसको सुनते ही कुछ एक अपने बचपन की याद आ जाए या चित्र की याद आ जाए, कुछ एक चित्रण हो। सो लेट्स हैव अ सेंटेंस। आप कैसा भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें लीची भी हो और गुल्ली डंडा भी। गुल्ली, हाँ बोलो। हाँ राहुल बोलो। बोलो बोलो। तो मैंने गुल्ली डंडा पांच लीची का मैच खेला। ये क्या होता है? तो गुल्ली डंडा का एक गेम होता है जिसमें पांच लीची, जो जो जीतेगा उसको पांच लीची मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, रामचंद्र जी बोलिए। हम लीची भी खा रहे थे और साथ में गुल्ली डंडा भी खेल रहे थे। क्या बात, ठीक है। सो आप देख रहे हैं, लीची के बगान में गुल्ली डंडा खेल रहा था। बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो हमने 3 मिनट के अंदर इस काम को किया। अगर हम क्लास में होते तो हम अच्छे से इत्मीनान से आधे घंटे तक बच्चों को मौका देते, बहुत सारी चीजें बनती। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जिसको हम सीखने की प्रक्रिया बोलते हैं, गतिविधि बोलते हैं, कई बार लोग उसको प्ले वे समझते हैं। प्ले वे से लोग ऐसा लगता है कि खेल खेला जा रहा है, खेल नहीं खेला जा रहा है। खेल के जो गुण है कि खेल रोचक होता है, चुनौती वाला होता है, उसमें भाग लेने का मन करता है, उसमें हम खुद नियम सेट करते हैं और हमें सार्थक लगता है, ये जो गुण है, इन गुणों को लाके हम ऐसे बांध रहे हैं कि कक्षा में होने वाली जो एक प्रक्रिया है वो बच्चे के लिए सार्थक और सीखने की ओर ले जाने वाली हो जाए। ये जो चक्र है, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेटना, ये मिलाकर एक गतिविधि है। तो जैसे अगर हमने अभी एक वाक्य की बात की, पहले तो हमने अनुभव के तौर पे दो शब्दों को एक वाक्य में डालने का काम किया, लेकिन चिंतन के तौर पे हमने ये बात की कि क्या है जिसने किसी वाक्य को ज्यादा रोचक बना दिया। तो अब हम वाक्य रचना ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि ये भी सीख रहे हैं कि क्या गुण होने से भाषा ज्यादा अच्छी हो जाती है। और फिर अब हमने उसी गुण को लेके फिर एक और बार किया, तो उसको प्रयोग में हमने लाने की कोशिश की। तो अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो एंड में मैं समेटूंगा कि वाक्य कैसे बनता है, वाक्य के क्या गुण होते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ था कि किसी ने छोटा वाक्य बनाया था, उसको उन्होंने बड़ा कर दिया। तो बड़ा कैसे किया, वो अपने आप में बहुत ग्रामर का बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम उसके अंदर हो सकता है। सो आइडिया ये है कि हम इस तरह के रोचक सार्थक कदम उठाएं जिसमें बच्चों को खुद से सोचना पड़े, और जो सोच बन रही है उसको जहाँ पे सही हो वहाँ पे
अप्लाई करना हो, लागू करना हो, क्रियान्वयन में कर लाना हो, और फिर जैसे जैसे समझ बनती जाती है उसको समेटना हो। ये जो प्रक्रिया है ERAC, ये किसी भी लेवल पे हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं कि छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। आपको जो चुनौती वाला अनुभव है उसको उम्र के अनुसार बदलना पड़ेगा, जो सोचने का काम आप देना चाहते हैं वो आपको बदलना पड़ेगा, और आपको ध्यान में रखना होगा कि हम सिखाना क्या चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा। लेकिन अब इन बातों को अगर आप ध्यान में रखें तो ये एक सरल पैटर्न है ERAC, अगर आप ध्यान में रखें तो आप इसको अलग अलग जगह पे लागू कर सकते हैं। इसके एक दो और उदाहरण आपको चाहिए या अभी मैं रुकूं और आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? कोई बोलना चाहेगा सर? आई थिंक इसी पे थोड़ा सा आप और अपना पॉइंट शेयर कीजिए, और अगर आप एक दो उदाहरण भी दे दें, मैं देता हूं, थोड़ा सा समझा दोगे तो ज्यादा बेटर। ये मेरी नोटबुक दिख रही है क्या आपको? समझ में आ रहा है? इसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं आपको? जी सर, 1, 6, 4, 9, 8। तो जिस तरह से मैंने एक कागज पे लिखा है ना, वैसे ही आप लोग कॉपी कर लीजिए और उसी जगह पे अपने पेज में जो मैंने लेफ्ट टॉप में लिखा वो लेफ्ट टॉप में करिए, जो राइट में है वो राइट में रख करिए, ऐसे करके इसको कॉपी कर लीजिए। मैं ऐसे हाथ रख के बता देता हूँ, आप लोग उसको वैसे ही लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ लिखा है 1, ऊपर लिखा है 1, ये लिखा है 6, उसके नीचे लिखा है 6, फिर लिखा है 4, इधर लिखा है 9। आप लिख दीजिए, कुछ एग्जैक्ट नहीं है तो कुछ थोड़ा सा कॉपी ऊपर कीजिए ना। हाँ ठीक है, ओके, 1, 6, 4, 9 हो गया, बीच में है 8, यहाँ पे है 2, यहाँ है 10, और ये है 3, ये 7, ये 7, ये 5, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं अभी। नहीं, कॉपी को थोड़ा सा पास में कर दीजिए। एक्चुअली वो नंबर्स क्लियर नहीं आ रहे हैं। आप पहले दिख रहा था। हाँ ये ठीक है सर, ये ठीक है। ओके, 1, 6, 4, 9, ठीक है, 8, 2, 10, 3, 7, 5 हो गया। ओके, अब आप सबको पता है करना क्या है इसमें। आपको ये आपने बचपन में बहुत बार किया होगा, 1 से शुरू करके आपको लाइन बनानी है, 2 तक क्रम में जाना है, 1, 2, 3, 4 के क्रम में जाना है, और लाइन कटनी नहीं चाहिए कहीं भी। ये काम जानते हैं आप लोग? यस सर। हाँ चलिए करिए, अपनी अपनी नोटबुक में करिए इसको, और जब हो जाए तो अपनी नोटबुक दिखाइएगा वीडियो ऑन करके। 1 से 2, 2 से 3 और लाइन कटनी नहीं चाहिए। हाँ लाइन कटनी नहीं चाहिए, मतलब कोई एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से नहीं क्रॉस होनी चाहिए। नहीं, क्रॉस नहीं होनी चाहिए। कट गया सर। कर लिया लेकिन कट गया। तो फिर से बनाओ, फिर से करो एक बार। कट गई थी, मैं दोबारा बना रहे हैं। हाँ दोबारा बना लो, इसको दूसरे पेज पे कर लो। फंस गए एक नंबर पे नहीं जा पा रही। हाँ यानी हमारा षड्यंत्र सफल हो रहा है। ओके, सो ये कौन सी क्लास के लिए ठीक होगा बताइए?
हाँ हाँ किया, अरे वाह ठीक है हाँ ऑल राइट बढ़िया बढ़िया दिखाइए प्लीज। अरे बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरा तो कट गया, कट गया, मेरा भी हो गया सर कट गया, कुछ कुछ मेरा दोनों बार कट गया ठीक है मैंने 8 नंबर को छोड़ दिया क्योंकि हाँ वो आई थिंक मेरा हो गया सर, इसका हो गया। अच्छा क्या तरीका अपनाया आपने? तो क्या किया कि जो बाहर था इनर डोर से हम टच करते गए, ओके बाहर वाला ऑलराइट, एक्सटर्नल आगे कवर किया और वैसे नंबर पे फिर लास्ट पे आया। इसने उल्टा चलने की कोशिश की 10 से शुरू करके? नहीं। ऑलराइट सो ये कौन सी क्लास के लिए ठीक होगा ये काम, ये बताइए। ये फोर्थ के लिए ठीक रहेगा, फोर्थ थोड़ा बड़े बच्चे हो गए इसके लिए, थर्ड के लिए सही है, थर्ड के बच्चे। और फर्स्ट के लिए क्यों नहीं होगा ये बताइए सर? फर्स्ट वाले कर लेंगे बट वो कटिंग वाला जो एक वो है ना कि इसमें कट नहीं करना है, हां उसमें थोड़ा उनको, तो आप उनको बोल सकते हैं एक एक बार कटना अलाउड है, हम फिर कर देंगे। सो दो तीन बातें इसमें से निकल के आ रही हैं। अगर इसको पहले पूरा मैं अनुभव चिंतन प्रयोग और समेटना के तौर पे करूं तो पहले तो मैं बच्चों को ये दूंगा, अगर मुझे लगता है बहुत कठिन है तो मैं उसके नियम सरल कर दूंगा उनके लिए, एक बार कटना अलाउ कर दूंगा। फिर मैं बात करूंगा जब तुम इसको कर रहे थे तुम्हारे मन में क्या हो रहा था, कैसे तुमने ध्यान रखा कि कहां कि नहीं कटे, जैसे अभी किसी ने बताया ना कि वो बाहर से घूमने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैं उनसे पूछूंगा अगर तुम्हें यही चीज किसी और को देनी है और वो उसे बहुत कठिन करना है तो कैसे नंबर्स को तुम लिखोगे ताकि उसे काटना ही पड़े। अब ये मैं एप्लीकेशन वाले हिस्से में आ गया। एंड में मैं बात करूंगा किस तरह की जमावट में आसानी हो जाती है और किस तरह की जमावट में मुश्किल हो जाती है, और इस सब में निहित है कि संख्याओं का जो क्रम है ना 1 से 10 तक उसकी प्रैक्टिस तो मैं कर ही रहा हूं। मेरे हाथ में है कि मैं इसको कितना मुश्किल कर दूं कितना सरल कर दूं। उदाहरण के लिए मैं थोड़े बड़े बच्चों को, मुझे यही काम अगर 5वीं के बच्चों के साथ करना है तो मैं संख्याएं तो दूंगा और 10 ही संख्याएं दूंगा, लेकिन वो कोई भी 10 संख्याएं होंगी जो 1 और 1000 के बीच में होंगी, जैसे 55, 902, 311, 501 इस तरीके से होंगी और उनको सही क्रम में जाना होगा, छोटे से बड़े के क्रम में जाना होगा। जो आपसे मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ वो ये है कि ERAC का जो चक्र है, जो गतिविधि जिसको हम कह रहे हैं, वो बहुत लचीली होती है, उसको कठिन भी कर सकते हैं उसको आसान भी कर सकते हैं। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कहीं भी जाएं हमारे क्लास हमारी क्लास में सभी बच्चे एक लेवल के नहीं होते। अगर आप सबको शामिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी गतिविधि को किसी के लिए थोड़ा सा सरल किसी के लिए थोड़ा कठिन करना जरूरी होगा। इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब बच्चे ये करने लग जाते हैं तो क्या होता है, बच्चे अपने आप कर रहे हैं तब टीचर थोड़े टाइम के लिए फ्री हो जाता है। शिक्षक को उस समय क्या करना चाहिए कि उन बच्चों को टाइम देना चाहिए जो नहीं समझ पाते हैं, जो कम बोलते हैं, जो हिचकते हैं या जो नए आए हैं। ऐसा करने से क्या होगा, शिक्षक का समय कुछ बच्चों को ज्यादा मिलेगा और उन बच्चों को ज्यादा मिलेगा जिनको ज्यादा जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप सच में जिसको लोग इंक्लूसिव क्लास बोलते हैं वो चलाना चाहते हैं आप, तो आपको ऐसी प्रक्रिया बनानी पड़ेगी कि बिना रुके शिक्षक किसी की ज्यादा मदद कर सकता है और किसी की कम, जरूरत के अनुसार, जिसको समता लोग बोलते हैं, एक्विटी बोलते हैं। अगर वैसी क्लास आपको बनानी है तो आपको इस तरह की प्रक्रिया देखनी ही पड़ेगी और ढूंढनी ही पड़ेगी। अभी तक जो मैंने किया इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? पहले तो ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं जो हम बात कर रहे हैं? कुछ कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा तो समझ में आ रहा है, आ रहा है सर समझ में काफी, ठीक है आ रहा है सर, ठीक है आ रहा है।
ये ऐसा दिख रहा है कि ये क्लास में हो सकता है इस, ये जिसको हम लोग बोलते हैं ठेठ भाषा में करेबल है ये? जी सर, यस सर, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल है सर, ठीक है। सो अब इसको थोड़ा हम अगले लेवल पे ले जाते हैं। आप अगर आप देखें तो मैंने आपसे जो अलग अलग गतिविधियां आपके साथ की, एक पहले तो ये फिरकी वाली जब की हमने, तो ये एक ऐसी गतिविधि थी जिसमें आप एक वस्तु का इस्तेमाल कर रहे, जिसको लोग TLM बोलते हैं ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें ठोस वस्तु आपके हाथ में है। मान लीजिए आप अपनी क्लास में काम करते हैं जिसमें बच्चे कंकड़ लाते हैं, तीलियां लाते हैं, पत्तियां लाते हैं, या आपने अलग से कार्ड्स बनाए हुए हैं, या ब्लॉक सेट्स हैं, या इस तरह के काम है, जो ये वाले जो काम होते हैं ये सारे TLM आधारित काम माने जाते हैं। तो आपके सेंटर्स में TLM है काफी? है सर, काफी है। काफी है ना, और आसपास परिवेश में भी होगा जी। सो TLM हमारे सेंटर में पर्याप्त है सर, पर्याप्त है, बनाती हैं और हम, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज कहने जा रहा हूँ जो थोड़ी सी अलग टाइप की है, वो ये कि TLM बहुत सारा होना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारा उपयोग होना जरूरी है। जैसे ये दिख रहा है आपको? जी जी जी। अरे ये नंबर तो उल्टे दिख रहा है मुझे, पता नहीं, खैर एनीवे, ये बाद में आप इसको कर सकते। आपको सीधे दिख रहा है? हाँ सर, सीधे दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं सपाट पासा। ये इतना बड़ा है, एक बीते की जितनी ऊंची इसकी ऊंचाई है। और इसके साथ क्या किया जाता है कि मान लीजिए दो बच्चे हैं जिनके आमने सामने कंकड़ रखे हैं अलग अलग ढेर में, आप उठा के कोई एक तीली या पेन का कैप फेंकते हैं और आप तय कर लेते हैं कि ये वाला हिस्सा जहां भी गिरेगा उतना नंबर हमारा आएगा। तो अब इससे क्या होता है, मतलब यहाँ आया तो आप 3 कंकड़ निकाल सकते हैं, यहाँ आया तो आप 5 निकाल सकते हैं, अगर लाइन पे आया तो दोबारा फेंकेंगे, बाहर चला गया तो चांस खत्म। तो इसको ऐसे रखा जाता है, यू रख के ऐसे गिराते हैं। बाद में आप इसको करिएगा, खेलिएगा, देखिएगा, आप पाएंगे इससे आप 70 तरह की अलग अलग चीजें कर सकते हैं। इसी तरह आपके मोबाइल फोन में, आपकी क्लास में कैलेंडर जरूर होगा, तो आपने देखा ही होगा कि कैलेंडर की कोई भी संख्या जो होती है वो उसके आगे और पीछे की संख्याओं का औसत होती है, उसके ऊपर और नीचे की संख्याओं का औसत होती है। ऐसे ही आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे कैलेंडर के अंदर। कई बार क्या होता है कि हम हमारे शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छी एक सुंदर दिखने वाली कोई चीज बनाते हैं, लेकिन उसका उपयोग जब होता है तो वो 10 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। तो ये लो कॉस्ट TLM नहीं हुआ, ये हाई कॉस्ट TLM हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि शिक्षक का समय बड़ा कीमती है। हमें बार बार ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे TLM का प्रयोग करें जिससे शिक्षक का समय बहुत कम खर्च हो। जैसे बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि इकाई और दहाई और सैकड़ा सिखाने के लिए वो तीलियों के बंडल बने रहते हैं ना, 10-10 की तीलियों के बंडल। ऐसा होता है आप लोगों के यहाँ? हाँ सर, सो वो बंडल बनाने में बड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। उसके सरल विकल्प भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको बंडल नहीं बनाने चाहिए, मैं केवल एक उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूँ कि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो TLM है उसके और बहुत सारे उपयोग कैसे हो सकते हैं, ना कि नया नया TLM बनाने पर। जैसे उदाहरण के लिए मेरे इस हाथ की हर उंगली, जो उल्टा हाथ दिख रहा है ना आपको, 1 के बराबर है, और इस हाथ की उंगली 10 के बराबर है, ठीक है। अब आपको बताना है, मैं आपको कौन सी संख्या दिखा रहा हूँ, ये कौन सी संख्या है? 21, ठीक है, 21, ओके। ये कौन सी संख्या है? 34। मान लीजिए दो बच्चों को मैं ले आऊं, तो एक बच्चे की संख्या, एक बच्चे की उंगलियां सैकड़ा हैं
तो मैं वैसे काम कर सकता हूँ, और फिर मैं उनको कह सकता हूँ तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, अब क्या हो गया बताओ. सो द पॉइंट इज, जो काम हम बंडल्स के साथ कर रहे हैं हम और तरीके से भी कर सकते हैं, सरल तरीके से कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं. दो शब्द हैं जो बहुत ही हमारे महत्वपूर्ण है, एक है इफेक्टिव यानी प्रभावशाली, और दूसरा है एफिशिएंट यानी सुचारू, यानी बहुत कम मेहनत के साथ ज्यादा रिजल्ट हम लाए. तो किस प्रकार से हम अपने काम को करें कि हमारे शिक्षक सरलता से ज्यादा बेहतर नतीजे दिखा पाए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है. हर एक जगह, ये सरकारी स्कूल में हो, आपके सेंटर में हो, हाई फीस वाले प्राइवेट स्कूल में हो, कहीं भी हो, ये महत्वपूर्ण बात रहती ही है. हमारी जगहों पे क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कई बार कि हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़े वंचित हैं. एक्चुअली वंचित तो इस पे निर्भर करता है कि आपका नजरिया क्या है. हमारे बच्चे बहुत सारी चीजें पहले से जानते हैं. अगर मैं एक आदिवासी इलाके में हूँ, मैं एक आदिवासी गांव में 7 साल के लिए रहा, बहुत इंटीरियर के गांव, और हर दिन मुझे ये दिखता था मेरे बच्चे कितना कुछ जानते हैं जो हम सोच ही नहीं पाते. एक दिन मैंने उनसे पूछा, मुझे ऐसे पेड़ों के नाम बताओ जिनमें कांटे होते हैं, तो उन्होंने मुझे 17 नाम बताए. बाद में उसी साल में मैं दिल्ली एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट से यही सवाल पूछा, वो मुझे 6 नाम के बाद आगे नहीं बता पाए. हर जगह जहां भी आप हैं, आपके बच्चे खासतौर पे चूंकि आप लड़कियों के साथ काम करते हैं, तो वो इतनी सारी चीजें जानती हैं जो कि चूंकि उनको ज्ञान नहीं माना जाता, इसलिए हम उनको जगह नहीं देते. और कई बार ऐसा लगता है कि हम ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जो बेचारे वंचित हैं. एक्चुअली उनके पास जो है वो कई बार हम देखते नहीं है, इसलिए हम उसको उपयोग में नहीं ला पाते. उदाहरण के लिए मुझे ये बताइए, खाना बनाने में कहाँ कहाँ गणित का प्रयोग होता है? आटा लगाने में, सब्जी बनाने में सर. हाँ, किस तरह का गणित, क्या गणित होता है? कितना नमक डालना है? क्वांटिटी सर. हाँ, मात्रा. ठीक है, मात्रा. बढ़िया, और कोई? पानी डालने में लीटर का यूज होता है, आधा लीटर डालना है. सही है, ठीक है. कितनी देर पकेगा? हाँ, टाइम की बात है. बहुत सही. और कितना रोटी बनेगा? कोई ऐसी चीज है खाना बनाने के लिए जहाँ पे गणित का प्रयोग नहीं होता है? सभी जगह होता है सर. सभी जगह मोस्टली, सभी जगह जहाँ पे भी हम देखते हैं लाइफ में, कुकर की में भी होता है सर. 3 सीटी 4. बिल्कुल. पर आपने कोई ऐसी पाठ्य पुस्तक देखी है जहाँ पे लड़कियों के इस ज्ञान की खूब सारी जगह हो, खूब सारे उदाहरण इसमें से हो? नहीं सर. ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये माना जाता है लड़कियों का ज्ञान. असल में किस चीज को हम लोग जगह देते हैं, किस चीज को हम लोग ज्ञान समझते हैं, ये इस पर निर्भर है कि किस तरह के लोगों को हमारे समाज में ज्यादा सशक्त, पावरफुल, पहुंचे हुए लोग माना जाता है. चूंकि लोग समझते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके बच्चे महंगे स्कूलों में जाते हैं, वही लोग असली लोग हैं, तो उनकी दुनिया की जो चीज है हर चीज को बड़ा महत्वपूर्ण मान लिया जाता है, और दूसरों की दुनिया की जो चीज है उसको बड़ा कम महत्व दिया जाता है. आपके यहाँ जरूर कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो कागज बीनने का या प्लास्टिक बीनने का या रैक पिकिंग का काम करते होंगे. इन बच्चों को बहुत सारा गणित तो आता ही है, उनको वस्तुओं के बारे में पता है, उनके वजन के बारे में पता है, उनको निगोसिएशन आता है, उनको अपना काम और अपनी जिम्मेदारी संभालना आता है. आपने कभी ऐसे बच्चे, ऐसी लड़की से बात की है जो बकरी चराती है? आप अगर उनसे बात करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अगर वो 100 जानवर लेके जाते हैं तो वो कितना कौशल वाला काम है, कितनी जानकारी वाला काम है. रोज एक ही दिशा में नहीं जाते हैं, कब कहाँ जाना है, कितना घूम के वापस आना है, कितने बजे मुड़ना है, पानी कहाँ मिलेगा, सारे जानवर सुरक्षित रहे, ये काम बच्चे 8-10 साल की उम्र में अच्छे से करते हैं, जो कि सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल जाने वाले बच्चे जिंदगी भर नहीं सीखते.
राजस्थान के गांव में एक शिक्षक हमको बता रहे थे कि ये बच्चे जो यहाँ आते हैं हमारे स्कूल में ये कुछ नहीं जानते, तो मैंने उनसे पूछा, ये सवाई माधोपुर की बात है, यहाँ पे फॉरेस्ट वो है ना सेंचुरी, तो मैंने उनसे पूछा बताइए ये नीलगाय और गाय में 5 अंतर क्या होते हैं बताइए, तो बता ही नहीं पाए वो। मैंने कहा ये बच्चे तो बता देंगे। फिर मैंने उन शिक्षक से पूछा कि आपने अकेले एक छोटे बच्चे को, 1 साल के बच्चे को अपनी जिंदगी में कब संभाला, तो उन्होंने कहा मैं जब 25 साल का था तब। तो मैंने कहा ये बच्चे जो आपके कक्षा 2 में आ रहे हैं ना, ये ऑलरेडी 1 साल के बच्चे को संभाल रहे हैं घर में, तो ये ज्यादा जानते हैं कि आप ज्यादा जानते हैं। ये बातें आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें अपने बच्चों की दुनिया को उनकी नजर से देखना, उसको आदर देते हुए देखना बहुत जरूरी है, और अगर हम उस तरीके से उसको देखते हैं तो फिर वो चीजें जो लेकर आ रहे हैं, वो जो ज्ञान लेकर आ रहे हैं, उसको अगर हम अपनी क्लास में यूज करें तो उनकी भागीदारी तो बहुत बढ़ेगी ही, वो ज्यादा सीखेंगे भी, हमारा काम भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे गतिविधि में ये बात कर रहा हूँ, TLM उसकी एक शुरुआत है। हम अगर इस तरह की चीजों से शुरू करें जो बच्चे पहले से जानते हैं, जो लेके आते हैं, जिसके अलग अलग प्रयोग वो करते हैं, तो सीखने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी हमारी। इस बात पे कुछ कोई कहना है या पूछना है? अभी तक सही लग रहा है? सवाल हो, कुछ बोलना चाहते हो प्लीज बोलिए। हाँ, मैं कुछ इस पे बोलना चाह रहा हूँ। एक्चुअली ये जो हम अभी बात कर रहे थे, जो सुबीर जी आप बता रहे थे कि बच्चों के पास में ज्ञान है, उस ज्ञान को हम कैसे बाहर निकाल करके लेकर के आए और उसका यूज हम अपनी क्लास में कैसे करें। जी जी जी, करेक्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को सुने, भले ही आप औपचारिक रूप से अपने शिक्षकों को ये कहें कि आप शुरुआत में पहले कुछ टाइम बच्चों को बोलने का मौका दें। अब जब आप ये कहेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा तो हम करें क्या, तो यहाँ पे मैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। क्या होता है, हम लोग जब भी बच्चों से बात करते हैं तो हम केवल ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो हमारे मन में जिसका एक उत्तर होता है, और हम देखते हैं कि बच्चे उस उत्तर को दे रहे हैं कि नहीं। जब हम ऐसे काम करते हैं तो बच्चों का ज्ञान कभी भी बाहर नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं यही चित्र दिखा के पूछूं ये क्या है, तो बच्चे ने कहा मछली, तो खत्म हो गया काम, फिर आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो हमें कुछ प्रश्नों से थोड़ा को कम करना होगा। वो प्रश्न है क्या, कौन, कब, किधर, हमें दूसरे अलग तरह के प्रश्नों को पूछना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने मछली दिखाया ना, तो आप बोल सकते हैं पानी में और क्या क्या रहता है। अब ये सूची वाला सवाल है, कौन कौन, क्या क्या, किधर किधर। आप बच्चों से पूछ सकते हैं क्यों वाले सवाल, जो भी काम तुम लोग करते हो, जैसे जब आप आम की गुठली बोते हैं तो एक मिट्टी का ढेर बना देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, ऐसा क्यों करते हो ये बताओ। आपको कैसे वाले प्रश्न बहुत पूछने चाहिए, अचार कैसे डालते हैं, आपके यहाँ कैसे डालते हैं, आपके यहाँ कैसे डालते हैं। तो अगर आप ऐसी चीजें करेंगे नहीं क्लास में जिसमें बच्चों को सुनना हो, तो पहले तो होंगी नहीं। इसके लिए एक तो आप ऐसी बातें शुरू कीजिए जो बच्चों के अनुभव से जुड़ी हुई हो, जिसमें मात्र जानकारी, केवल तथ्यात्मक जानकारी की बात ना हो, बल्कि कारणों की बात हो, क्यों, प्रक्रिया की बात हो, कैसे, और अगर की बात हो, अगर ये नहीं करते तो क्या हो जाता, अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे। तो जब हम इस तरह की बातें ज्यादा करते हैं तो हम पाते हैं कि बच्चे ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा उनके अनुभव की बातें बाहर आती हैं। जब ऐसा होने लगता है, जैसे एक मैंने भेड़ चढ़ाने वाले लड़के से जब पूछा कि ये मैं देखता हूँ तो मुझे सारी भेड़ तो एक जैसी ही दिखती है, तो तुम कैसे पता करते हो कि कौन सी भेड़ कौन सी है,
तो उसको बड़ा अचंभा हुआ, वो कहने लगा रहे आप बच्चों में फर्क नहीं पहचान लेते हो। अब यहाँ पे वो बात खत्म हो सकती थी, लेकिन अब हमने उससे ये कहा कि अच्छा पूरी क्लास में ये बात की आप बच्चों में फर्क हम कैसे पहचानते हैं, तो वहां से बात लेके शुरू हुई। और इसमें जो बच्चे कह रहे थे उसको मैं लिख रहा था, जैसे हमने कहा कि नहीं कान अलग होता है नाक अलग होता है जो भी, और जो मैं लिख रहा था वो ही बच्चों को मैं एक लिखित सामग्री की तरह पढ़ना सिखाने के लिए उपयोग में ला रहा था। सो आइडिया ये है कि आप बच्चों के ज्ञान को बाहर लाइए, लेकिन बाहर लाकर वहां छोड़ मत दीजिए, उसका उपयोग कीजिए और गणित हो भाषा हो विज्ञान हो जो भी विषय आप पढ़ा रहे हो उससे जोड़िए और उसको आगे लेकर उससे बढ़िए। तो ये है प्रक्रिया जो मैं समझता हूँ कि जिसमें बच्चों को सुनना खुले रूप से सुनना भेजा, एक में तुम्हें मराल भेजा विच इज करें। हाँ क्या बोलिए, हेलो सर आप कंटिन्यू कीजिए, शायद उनका वो म्यूट। हाँ ठीक से नहीं सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो मैं आपसे मैंने गतिविधि की बात शुरू की थी और एक बात ये कही कि गतिविधि जो होता है होती है वो वस्तुओं के साथ आसानी से हो सकती है, वस्तु यानी टीएलएम। टीएलएम के लिए जरूरी नहीं कि मेहनत लगा के शिक्षक बनाए, जो है आप उसके साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ऐसा कर ही रहे होंगे ऐसा मैं मान के चलता हूँ। दूसरी जो तरह की गतिविधि थी जिसमें मौखिक काम बहुत था, जैसे हमने अभी वाक्यों की बात की, जब हमने आम और पतंग वाला काम किया तो ये मौखिक गतिविधि थी जिसमें आप बोल के ज्यादा काम कर रहे थे, और बाद में जो संख्याओं को क्रम में वो कनेक्ट करने की बात थी वो आप लिखित, यानी गतिविधियां जो होती मौखिक हो सकती हैं, पढ़ने लिखने पे आधारित हो सकती हैं और सामग्री के साथ हो सकती है। बच्चों को तीनों तरह की गतिविधियां चाहिए होती हैं और एक साल एक हफ्ते में इसका थोड़ा बैलेंस रखना जरूरी है। अभी यहाँ पे तो मैं नहीं कर सकता, पर असली क्लास में आप लोग जरूर करते होंगे कि आप ग्रुप में काम करते हैं, अकेले काम करते हैं और होल क्लास में भी करते हैं। रोज बच्चों को तीनों तरह के अनुभव मिलने चाहिए, तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक समृद्ध अनुभवों वाली हमारी कक्षा बनती है जिसमें बच्चों के लिए हर समय कुछ सार्थक होता है, वो सीखने की प्रक्रिया में वो आगे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, उनके ज्ञान का उपयोग हमारी कक्षा में अच्छे से होता है। और इस तरह की जब हम कक्षा करते हैं तो इसको हम मान के चल रहे हैं ऐसी कक्षा क्या हो, सीखने के तरीके क्या हो, क्या एक ही तरीका सब जगह लागू हो सकता है, तो उसके जवाब में ये सारी बातें मैंने कही हैं। इतने पे अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अभी रुक के हम लोग बात कर लेते, फिर मैं अगले चरण पे जाऊंगा। अगला चरण है कि फिर शिक्षक कैसे सीखते हैं ऐसा काम करना। पहले चरण पे किसी का कोई सवाल, कोई व्यू पॉइंट कुछ शेयर करना चाहेंगे प्लीज रेज हैंड कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। प्रीति जी सर, एक रिक्वेस्ट था if any of the PMs can give an example jo last charan tha uska karke area se PM aur PO jo bhi abhi humne discuss kiya hai agar uske upar koi example dena chahe aap apne field se to bahut acha rahega jaise sandeep sir ne suggest kiya ek do example de dein just to drive home the point ji sir sadik this side sir zara zor se sadik please नहीं जैसे सर बता रहे थे कि जो बच्चियों के पास ज्ञान होता है वो हमारे अच्छे अच्छे स्कूलों में नहीं होता है, तो वही सेम एग्जांपल हमारे साथ है क्योंकि हम उस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो जो बकरियां चराती है बट वो पहाड़ से बकरियां उतार के लाती है, उस हिसाब से अगर पूछा जाए कि बेटा कितने बकरियां अभी नहीं आई है तो एक नजर में बता देती है कितनी बकरियां मेरी छूट गई है। बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ये एक एग्जांपल है और रियली ये सच है कि इंटीरियर में बच्चों के पास वो नॉलेज है जो हमारे अच्छे स्कूलों में नहीं मिलती। तो ऐसे बाहर लाएं ये हमारे लिए असली काम है। बढ़िया फरहान सर, इसमें मेरा मैं भी एक एग्जांपल दूंगा। एक्चुअली में जिस एरिया में हमारे सेंटर चलते हैं वहां पे एप्पल्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। अनुज थोड़ा सा जोर से बोलिएगा प्लीज। ठीक है मैम, ओके।
तो सर उसमें क्या होता है, बच्चों को ये पता होता है जब ग्रेडिंग करते हैं एप्पल्स की, क्योंकि वो मैनुअल ग्रेडिंग होती है कि कौन सा किस बॉक्स में डालना है, कौन सा किस बॉक्स में डालना है, कौन सा किस बॉक्स में, तो वो ए वो चार ग्रेड रखते हैं वो लोग, फोर ग्रेड्स में, तो वो अपने आप पिक कर करके उसी में डालते हैं वो लोग, तो उनको ग्रेडिंग का आइडिया होता है, हमें ग्रेडिंग का आइडिया नहीं। दूसरा उनको वैरायटी का आइडिया होता है कि ये कौन सी वैरायटी है, ये खट्टा है, वो देख करके एप्पल्स को बताते हैं खट्टा होगा, ये मीठा होगा, ये किस टाइप का टेस्ट होगा। Anyone else? जी सर, तो हम कुंभलगढ़ राजसमंद में कुंभलगढ़ एरिया में काम कर रहे हैं अभी, तो बहुत जंगली एरिया थोड़ा है, तो जब गए थे तो हमें थोड़ा डर था जंगली जानवर वगैरह, सेंटर पे ही बात करते हुए बच्चा से पूछे कि जब आता है तो आप कैसे बचते हो, क्या करते हो, तो बालिका जो आवाज निकाली थी वो हमारे लिए शॉकिंग था कि ये बालिका कैसे इस तरह का आवाज निकाल सकती है, और माने उस दिन से हमको भी कुछ आइडिया मिला लगा कि अब आएगा तो कैसे हमको चिल्ला के बचना है, तो मेरे लिए सीखना पड़ेगा आपसे मुझे ये आवाज को। यस ओके फर्स्ट क्लास। सो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे बच्चे कमजोर खाली वंचित ये सब नहीं है, ये बहुत ताकतों को लेके आते हैं हमारे बच्चे, उन्हीं ताकतों के सारे, उनके ज्ञान के सारे, कैसे हम उनको एक अगले लेवल पर ले जाएं, ये हमारे लिए हमारा काम है। और जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अनुभव, चिंतन, प्रयोग, ये प्रक्रिया है जिससे वो बच्चे वास्तव में बहुत आगे तक जाएंगे, और उम्मीद है कि आगे हमें मौका कभी मिलेगा तो हम डिटेल में इसकी बात करेंगे कि इसको कैसे करते हैं, किस क्लास के लिए क्या करते हैं, किस विषय के लिए क्या करते हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन ये एक ओवरऑल परिचय के तौर पे मैंने सोचा ये बात कर लेते हैं। तो मैं अगले चरण पे बढ़ता हूँ थोड़ा, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम चाहते हैं कि शिक्षक इस तरह से काम करना शुरू करें तो स्वाभाविक है कि कोई भी शिक्षक तब तक ऐसा काम नहीं कर पाएगा जब तक खुद उसने इसका अनुभव ही नहीं किया, यानी जो कभी पानी में जिसने छलांग नहीं लगाई वो कभी तैरने की बात कैसे करेगा। तो इसीलिए जब भी आप शिक्षकों के साथ काम करते हैं, हो सकता है मीटिंग्स में करते हो सकता है आप ट्रेनिंग करते हो, तो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उसका यह है कि उन्हें कम से कम 2-3 दिन तक लगातार दसियों अलग अलग गतिविधियों में भाग लेने का मौका दें। भाग लेने का मतलब है कि वो इतने उसमें तल्लीन हो जाए, इतना उनके लिए रुचिकर लगे कि वो अपना खाना भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, उसको जब तक वो जुड़ के नहीं करने का अनुभव मिलेगा तब तक वो चीज़ दूसरों के लिए पैदा नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही जब वो जुड़ने लगे आपको ये पूछना चाहिए कि आप क्यों जुड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको जुड़ना पड़ ही रहा, यानी अब चिंतन। तो जैसे बच्चों के लिए अनुभव, चिंतन, प्रयोग का चक्र है, वैसे ही शिक्षक के लिए भी यही चक्र है कि उसे रोचक गतिविधियों का एक अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब तक उसने उसको चखा नहीं है वो किसी और के लिए पैदा नहीं कर सकता। और गहराई में फिर ये क्यों मजेदार लगा, ये इसका क्या कर सकते हैं, इसका कहाँ पे उपयोग करेंगे, और फिर अगर मैं 3-4 दिन का प्रशिक्षण कर रहा हूँ तो मैं दूसरे दिन छोटे छोटे 5-5 मिनट के मौके दूंगा, अच्छा अब आप ये वाली गतिविधि खुद हमारे सामने करके दिखाइए, या इसका ये हिस्सा शुरुआत करके दिखाइए, या इन्होंने देखिए एक कहानी सुनाई अब आप इस पे चिंतन वाले 2 सवाल पूछ के दिखाइए। तो आइडिया ये है कि वो हमारे सामने ही थोड़े सुरक्षित माहौल में खुद से कोशिश करना शुरू करें, और जब वो कोशिश करें उनको थोड़ा सपोर्ट मिले ताकि वो उसे करना सीखे, क्योंकि एक स्किल है ये केवल सुन के देख के पढ़ के नहीं आएगा जब तक आप इसे खुद से करेंगे नहीं। तो पहली बात तो ये है कि शिक्षक तभी इस चीज को आत्मसात करते हैं जब वो गहराई से बहुत सारी गतिविधियों से गुजरते हैं, उस पर विश्लेषण करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर उसको प्रयोग में लाते हैं वर्कशॉप के अंदर, और बाद में जब उसे क्लास में करने लगते हैं तब कोई उनको सपोर्ट करके ये बताता है कि और बेहतर वो कैसे करें। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि उनकी जगह करके दिखाना, कई बार लोग कहते हैं क्लास में डेमोंस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, वो ठीक है कभी कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन डेमोंस्ट्रेशन में क्या होता है हर बार कि हम एक तरह से शिक्षक को ये बोल रहे हैं कि हम तो कर लेते हैं आप नहीं कर पाते,
ज्यादा जरूरी है कि शिक्षक को हम ये कहें आप करना शुरू करिए, मैं आपके साथ हूँ, और उसके कान में फुसफुसाइए, उसके बच्चों के सामने उसको इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, और उसको इस तरह से हिंट दीजिए, ये वाला सवाल पूछ लीजिए या उस बच्चे की ओर ध्यान दीजिए, और ऐसे सपोर्ट करिए कि वो सफल हो ही जाए और आप कहें मुझे पता था आप कर लेंगे। शिक्षक जो है वो सफलता से ही बदलते हैं, वो केवल ज्ञान पा लेने से नहीं बदलते। जो भी टीचर शिक्षक के विकास, शिक्षक के डेवलपमेंट का के बारे में जो रिसर्च है, वो तीन अलग अलग चीजों की ओर ध्यान देती है। एक है क्षमता यानी कॉम्पिटेंस, दूसरा है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, जो वास्तव में वो करते हैं। कॉम्पिटेंस यानी जो करने की क्षमता रखते हैं, और परफॉर्मेंस यानी जो वास्तव में करते हैं। तीसरी बात है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ कि उनके काम का असर कितना पड़ा, कितने प्रभावशाली हैं वो। तो क्या होता है, कई बार हम जब शिक्षकों को कुछ जानकारी देते हैं, कुछ समझ पैदा करते हैं, कुछ सामग्री पढ़ने के लिए दे देते हैं, तो हम बेसिकली उनकी क्षमता थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्षमता बढ़ने से प्रदर्शन बढ़ जाता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक है जो एमएड है और एक केवल ट्वेल्थ के बाद डीएलएड है, कोई जरूरी नहीं है कि एमएड वाले का बेहतर प्रदर्शन होगा, क्योंकि उसे लग सकता है मुझे, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे होना नहीं चाहिए, उसके अंदर मोटिवेशन ना हो। तो अगर आप प्रदर्शन देखना चाहते हैं तो क्षमता के साथ साथ वो स्थितियाँ, वो अवस्थाएं होना जरूरी है जिसके साथ वो क्षमता जो है वो प्रदर्शन में बदल सके। इसीलिए ट्रेनिंग करना, एनकरेज करना, सपोर्ट करना, आगे के लिए एक प्लान बनवाना, ये सारे काम है जिससे वो जो उसका सामर्थ्य है वो वास्तव में असली क्रिया में बदलता है। कई बार क्या होता है, टीचर बहुत काम करते हैं, दो स्कूल में दो अलग जगह, एक शिक्षक मेहनत करता है, दूसरा शिक्षक भी मेहनत करता है, लेकिन एक का रिजल्ट इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसको सही समय पर एकेडमिक गाइडेंस मिल जाता है, या हो सकता है माता पिता उसे सपोर्ट करते हों। तो इसीलिए जो शिक्षक जब करने लगते हैं तब उसके बाद भी उनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके हमको दिखता है वो नतीजा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, यानी कि बच्चों के सीखने में सुधार। तो अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक बदले, तो पहले तो आप शिक्षक के लिए अनुभव, चिंतन, प्रयोग के मौके दें, सुरक्षित माहौल में प्रयोग के मौके दें, सफलता के अनुभव के मौके दें। केवल क्षमता की ओर मत जाएं, बल्कि प्रदर्शन की ओर जाएं, और प्रदर्शन के साथ साथ प्रभावशालिता की ओर जाएं। इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, वो कई बार छूट जाता है, और वो ये है कि जैसे बच्चों के सीखने का क्रम होता है वैसे ही शिक्षक के सीखने का क्रम होता है। जब हम गणित सिखाते हैं तो हम पहले गिनती की बात करते हैं, फिर हम जोड़ने घटाने की बात करते हैं, फिर हम गुणा पे आते हैं, फिर हम भाग पे आते हैं, एक क्रम है। शिक्षकों के साथ जब हम शिक्षण की क्रिया की बात करते हैं, मान लीजिए गतिविधि आधारित शिक्षण की हम बात करते हैं, तो सबसे आसान होती है मौखिक गतिविधि करना, टीएलएम वाली नहीं होती है। इसलिए ऐसा इसलिए कि मौखिक गतिविधि में शिक्षक जहाँ खड़ा है, बच्चे जहाँ बैठे हैं, उनमें को बदलने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एक शिक्षक अपनी क्लास में पूछता है मुझे ऐसी चीजों के नाम बताओ जिसमें प की ध्वनि आती है, तो बच्चे आसपास देखना शुरू कर देते हैं, कोई कहता पेन, कोई कहता पेंसिल, कोई कहता पेपर, और इस तरह चालू हो जाते हैं। अब क्या है, जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठे हुए हैं, कुछ फर्क नहीं आया। लेकिन मान लीजिए शिक्षक अब चाहता है कि बच्चे लिख कर कुछ करें, मान लीजिए वो कहता मैं तुम्हें चार पांच अक्षर दे रहा हूँ, तुम इनसे शब्द बनाओ, वो कहता क न म त, ऐसे उसने कुछ शब्द दिए, अक्षर दिए, और कहा कि अब तुम इस पर कुछ शब्द बना के लिखो। अब शिक्षक खड़ा नहीं रह सकता जहाँ पे वो था, अब उसे बीच में जाना ही पड़ेगा। तो यानी अब एक दो चीज और जुड़ गई कि उसे निर्देश देना पड़ेगा, बीच में जाना पड़ेगा, बच्चे के काम को देखना पड़ेगा और मदद देनी पड़ेगी। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चे कार्ड्स के साथ अक्षर बनाने का काम करें, तो अब क्या होगा, उसे ग्रुप में बांटना पड़ेगा, अलग अलग जगह बैठाना पड़ेगा, कार्ड को बांटना पड़ेगा, निर्देश देने पड़ेंगे, और वहां जाके देखना पड़ेगा, और जो नहीं कर पा रहा उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो अब ये और जटिल हो गया। तो अगर आप अपने प्रशिक्षण में सीधे टीएलएम के काम से शुरू करते हैं, तो आप मान के चलिए आप सबसे कठिन चीज से शुरू कर रहे हैं, तो आपको शिक्षक के सीखने के क्रम को ध्यान में रखना होगा,
और उस क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। इसमें एक दो आखिरी बातें मैं कहना चाहता हूँ, फिर आपसे मैं सुनूंगा आपके विचार क्या है। तो आपके मन में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं तो लिख लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये मुद्दे हमारे लिए बड़े हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं। एक जो समस्या हर जगह रहती है वो ये है कि शिक्षक शिक्षक के काम का आकलन कैसे किया जाए, किसी को कैसे पता लगेगा मैं अच्छे से काम कर रहा हूं। केवल बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक अच्छा है, क्योंकि हो सकता है वो रिजल्ट घर की वजह से आ रहा हो या किसी और कारण से आ रहा हो। जिस चीज की जरूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी प्रदर्शन के सूचक। क्या देखने पे आप कहेंगे शिक्षक सच में अच्छे से पढ़ा रहा है? उदाहरण के लिए आप कहेंगे कि शिक्षक सुनिश्चित कर रहा है कि हर बच्चा कक्षा में बोलता हुआ दिखे, हर बच्चे को कक्षा में बोलने के मौके मिल रहे, ये हमारी अपेक्षा है। इसको देखने के लिए हमारे मापदंड क्या होंगे? हम ये देखेंगे ना कि बोल रहे हैं, या अधिकांश बच्चों को बोलने का मौका मिल रहा है, यानी ये अपेक्षित चीज है, या शिक्षक सुनिश्चित कर रहा है कि एक एक बच्चा बोले। तो ये एक हमको एक ग्रेडेशन हो गया कि शिक्षक इस अपेक्षा में कहाँ पर है, ए बी सी डी में कहाँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शिक्षक के प्रदर्शन, शिक्षक के काम, जो दिखता हुआ काम है, उसको आप नाप सकते हैं कि वो चाहे गए स्तर पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर आप ऐसा नापने का काम नहीं करेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं लगेगा हमारे शिक्षक कहाँ पे हैं, और इसलिए आप उनको वो लेवल ऑफ इनपुट नहीं दे पाएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ आपके यहाँ इंटेंस मॉनिटरिंग होती ही है और इस तरह के आप जरूर इंडिकेटर्स यूज करते ही होंगे। लास्ट इसमें एक जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि और ये भी बड़ी एक जटिल बात है जो हम लोगों को तंग करती है सब जगह, शिक्षा में दो तरह की बातें होती हैं। एक है सिद्धांत आधारित और एक होती है प्रविधि आधारित, प्रोसीजरल, प्रिंसिपल बेस्ड, प्रोसीजर बेस्ड। सिद्धांत का एक उदाहरण ये है, सैद्धांतिक बातें वो होती हैं जिसमें सभी को एक ही सिद्धांत लेकर चलना होता है, लेकिन हर एक को अलग अलग जगह अपने तरीके से करना होता है। ये बात आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक प्रश्न आया था कि क्या पूरे इंडिया में एक ही चीज चल सकती है। तो मान लीजिए एक सिद्धांत ये है कि जब किसी नए टॉपिक का परिचय कराते हैं तो बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, पूर्व अनुभव से जोड़ते हैं। मान लीजिए सिद्धांत है, ये सिद्धांत सभी के लिए कहीं पे भी हो, आप हिमाचल में हो, सिक्किम में हो, राजस्थान में हो या कर्नाटक में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी के लिए यही सिद्धांत। लेकिन एक शिक्षक ये काम पूर्व ज्ञान से जोड़ने का काम चर्चा के माध्यम से कर सकता है, एक लिखित टेस्ट देके कर सकता है, एक चित्र दिखा के कर सकता है, कोई और गाना गा के कर सकता है, कोई नाटक करके कर सकता है। यानी इस सिद्धांत का पालन करने का जो तरीका है, उसका जो बाहरी स्वरूप है, हर एक के लिए एक नहीं है, वो स्थिति सापेक्ष है। तो प्रिंसिपल कॉमन होता है लेकिन उसको लागू करने का तरीका उस जगह उस संदर्भ के अनुसार होता है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें हमारे पाठ्यचर्या में, हमारे पढ़ाने के तरीके में ऐसी होती है, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जिसमें सभी को एक ही तरीके से काम करना होता है। उनमें से प्रमुख है मूल्यांकन। मूल्यांकन आपने देखा होगा कि उसके लिए बाकायदा एक नियमावली आती है, हर एक को यही क्वेश्चन देने हैं, इसी तरीके से करना है, या क्वेश्चन बदल भी सकते हैं लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन देने हैं, क्योंकि आपको अलग अलग जगह के बीच में तुलना करनी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि सब एक ही तरीके से काम करें। अगर आप इन दोनों चीज़ों को उलट देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी अगर आप सबको बोलते हैं कि पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए इसी चित्र का प्रयोग करें, तो जहाँ पे चित्र का प्रयोग नहीं हो सकता वहाँ मुश्किल हो जाएगी। सो आधी समस्या हमारी इसलिए आती है क्योंकि कई बार हम जिन चीज़ों में हमें खुलापन रखना चाहिए हम नहीं रखते, और जिन चीजों में नहीं रखना चाहिए खुलापन वहां पे कई बार हम लोग ज्यादा खुले हो जाते हैं। तो
तो अगर आप इन दो बातों को ध्यान में रखें कि क्या हम चाह रहे हैं जो कि सिद्धांत आधारित है और क्या हम चाह रहे हैं जो कि प्रविधि आधारित है, अगर इन दो बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो अलग अलग जगह इस प्रकार से चलेगा कि वो उस संदर्भ के अनुसार सही होगा। तो जहाँ तक शिक्षक के सीखने उसके विकास की बात है, मुझे अभी इतना कहना है, इस पर अगर कोई प्रश्न हो तो इस पर बात कर सकते हैं हम लोग। जो जितना कुछ मैंने कहा समझ में आया कि नहीं, एक पहली फीडबैक ये दे दीजिएगा मुझे, समझेबल होना चाहिए जो भी हम कह रहे हैं। सर ये समझ में आया, ये जो आपने सेकंड टाइम बताया ना, सेकंड वाला, उसको एक बार फिर से बता देंगे क्या? कौन सा सेकंड वाला, क्या था शब्द उसमें, जो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर? हाँ, ये जैसे आपने बताया जांचने का, चेक करने का। अच्छा, हाँ, राइट राइट, करेक्ट करेक्ट। तो मान लीजिए आप एक कार्यक्रम चला रहे हैं जो कि तीन स्टेट में चल रहा है, वैसे आप लोग को 11 स्टेट में, पर मान लीजिए आप तीन स्टेट में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक हम देखें बच्चों का स्तर क्या है। जैसे उदाहरण के लिए आप सब लोग जानते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नैस होता ही है ना हमारे देश में, तो नैस जो है ये हर एक स्टेट को एग्जैक्टली एक ही तरीके से करना पड़ता है, नहीं तो एक स्टेट और दूसरे स्टेट के स्कोर की तुलना नहीं की जा पाई। तो अगर आपके ही कार्यक्रम में आप लोग बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपको ऐसी प्रविधि, ऐसा प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, जैसे आप बोलेंगे कि तीन तरह के क्वेश्चन होंगे, एक आसान, एक मीडियम, एक हार्ड, कुछ क्वेश्चन इसी चैप्टर से होंगे, कुछ यहाँ से होंगे, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे जिसमें लिखना होगा, कुछ मल्टीपल चॉइस, जो भी आप बनाते हैं, आपको एक पूरा उसके लिए एक ढांचा बना के उसके एक एक हिस्से के बारे में उसकी विशिष्टताएं, उसके स्पेसिफिकेशंस देने होंगे और जितनी भी जगह काम हो रहा है सभी को एक ही तरीके से करना पड़ेगा, तभी एक काम ऐसा काम होगा जिसको जिसका उपयोग हो सकता है, यानी आप तुलना कर सकते हैं। जैसे तो इसीलिए शिक्षा में कुछ बातें ऐसी हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, कुछ रूल्स हैं जो SMC के रूल्स हैं, जो इवेल्युएशन है, कुछ बातें ऐसी हैं जो जिनको प्रोसीजर्स में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में इस प्रकार बदला गया है कि सभी लोग एक ही तरीके से उसको करें। एट द सेम टाइम जो सीखने की प्रक्रिया है जिसको ज्ञान रचनावाद या रचनावाद हम लोग कह रहे हैं, उसको ऐसे नहीं बांधा गया। उसमें ये नहीं बोला गया कि आप 30 मिनट के लिए ये बोलेंगे और 20 मिनट के लिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। उसमें ये बोला गया कि आप सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे की भागीदारी हो। भागीदारी लेने के 50 तरीके हो सकते हैं, उनमें से आप जिनका उपयोग करना करें। सो ये दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं किसी भी शिक्षा के कार्यक्रम में। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो स्थिति के अनुसार बदले और कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो स्थिति के अनुसार इसको बदलना नहीं है। ये ध्यान में रखेंगे तो आपका कार्यक्रम आसानी से अच्छे से चले। ठीक है, ओके। कोई और प्रश्न किसी का? जी सर। जी, थैंक यू सुनील। हाँ जी राहुल, मैं रिक्वेस्ट करूंगी बाकी भी प्लीज आप अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको क्या समझ में आया आप वो भी बोल सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। जी प्लीज। तो सर ये तो बिल्कुल सही कि अनुभव, चिंतन, प्रयोग, तीन चीज सीखने और सिखाने दोनों के लिए बहुत जरूरी फैक्टर है। इसमें एक चीज जो हम देख रहे हैं, टीचर जो लगभग 200 सेंटरों पे काम कर रहे हैं, कि जब ट्रेनिंग होता है या कुछ सेशन होता है तो उस टाइम तो टीचर के अंदर मोटिवेशन होता है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहता है, उसके बाद वो जो है फिर उसी कंडीशन में वो चला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको हम बनाए कैसे रखे उस मोटिवेशन? बाकी लोगों को भी यही दिक्कत दिखती है? यस सर, है ना, ये पूरे मेन प्रॉब्लम पूरे टीचर डेवलपमेंट के एरिया में ये बहुत बड़ा इशू है। तो इस पे मैं दो तीन बातें आपके साथ कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि आप कभी भी प्रशिक्षण करते हैं तो आपके प्रशिक्षण का जो आखिरी हिस्सा है, आखिरी मान लीजिए आपने 4 दिन का प्रशिक्षण किया, आमतौर पे कितने दिन का करते हैं आप लोग? 5 डेज। तो आप मान के चलिए जो आपका लास्ट डे है, क्योंकि लोग 2-3 बजे तक निकलने की कोशिश में रहते हैं कई बार, तो आप पूरा लास्ट डे जो है वो प्लानिंग के लिए रखिए, यानी उनको जाने के बाद अगले 2 महीने में अपनी क्लास में क्या करना है उसका 15-15 दिन का प्लान
और पहले 15 दिन या पहले 1 महीने का डेली प्लान और पहले 1 हफ्ते का 1-1 घंटे का प्लान वो बना के दीवार पे प्रदर्शित करके एक दूसरे का प्लान देख के दीवार पे क्यों प्रदर्शित करना, ताकि आप पब्लिकली कह रहे हैं मैं ये करता हुआ दिखूंगा जब मेरी क्लास में आएंगे। जब आप प्लान करते हैं और आपको पता रहता करना क्या है तो आप उसको उनको मिलेगा। तो पहला हिस्सा तो ये है। इससे ये भी होता है कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो आप टीचर से ये नहीं कहते हैं क्या आपने वो किया जो मैंने कहा था करने को, आप ये कहते हैं कि आपने वो किया जो आपने कहा था आप करेंगे, क्योंकि आपने प्लान में यही लिखा था। दोनों में बड़ा अंतर है। सो नंबर वन कि शिक्षक को जो करना है उसकी प्लानिंग और उसकी ओनरशिप, उसका स्वामित्व, उसका अपना होना चाहिए, तभी संभावना बढ़ जाती है कि वो उसे करेगा। यानी जब लोग खुद सोचते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ तब वो उसे करते हैं। लोग आम तौर पे हर व्यक्ति अपने द्वारा सोची गई चीज़ को ज़्यादा करता है, ना कि किसी और के द्वारा कही गई चीज़ को। तो पहला हिस्सा तो ये है, आप बहुत ज़्यादा निर्देश देंगे तो आप मान के चलिए कि जो आप निर्देश दे रहे हो वो होने वाला नहीं है। ये मैं ऐसे आसानी से नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे प्रशिक्षण करता हूँ जिसमें 6-6 लाख टीचर भाग लेते हैं और हम ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर चुके हैं जो करोड़ों करोड़ों का नुकसान वाली गलतियाँ कर चुके हैं। तो ये बहुत मुश्किल से हमने सीखा है कि जब हम ज़्यादा दबाव डालते हैं तो हमें कम नतीजा दिखता है, लेकिन जब हम खुलापन रखते हैं और लोग अपने आप प्लानिंग करते हैं और फिर हम कहते हैं आपके प्लान को करने में हमारा क्या सहयोग होना चाहिए, तब वो उसे मन लगा के ज़्यादा करते हैं। ये है बड़ी सरल सी बात, लेकिन चूंकि हम लोग प्रशिक्षक रहते हैं तो कई बार हमको समझ में नहीं आता कि ऐसे करने से हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी बात इसमें यह है जो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अगर आप सीखने के क्रम को ध्यान में रखें तो आप शिक्षक से ये प्लानिंग करें कि पहले 15 दिन आप ज़्यादा मौखिक गतिविधियाँ ही करिए, उसके अगले 15 दिन आप लिखने पढ़ने वाली गतिविधियाँ करिए, 1 महीने के बाद आप TLM वाली गतिविधि करिए। उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि शिक्षक पहले वो काम करेगा जिसमें वो सफल होगा। ये इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल करना चाहता हूँ। जो इस तरह की काम करने की शैली जो है, आप लोग जो भी मेथड यूज, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप रटवाने वाली प्रक्रिया नहीं ही यूज़ कर रहे थे, आप बच्चों को सक्रिय करने वाली प्रक्रिया यूज़ कर ही रहे होंगे। तो जब भी हम बच्चों को सक्रिय करते हैं तो क्या होता है, खासतौर पे पहली बार आप देखिएगा कि जैसे हम कुछ एक काम देते हैं, सब बच्चे लगने लग, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, 2-3 बहुत तेजी से लग जाते हैं, कोई ग्रुप नहीं बन रहा, कहीं पर झगड़ा हो रहा है, कहीं पर मटेरियल बाहर जा रहा है, कहीं किसी को कुछ देना है, किसी को बाहर जाना है, एक साथ क्या होता है बहुत सारी चीजें होने लगती हैं और शिक्षक निर्णय नहीं ले पाता कि उसे क्या करना है, किस चीज पे ध्यान दें। 1-1 सेकंड में दसियों निर्णय लेने होते हैं पहले, तो ये बड़ी एक घबराने वाली स्थिति होती है। और तब क्या होता है, जब आप ऐसी स्थिति में आते हैं तो आप फिर वही करने लगते हैं जो आपको पहले से आता था, क्योंकि आपके लिए वही सबसे सुरक्षित चीज होती है, तो आप अपने पुराने तरीके पुराने ढर्रे पे चले जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान मोटिवेशन होता है क्योंकि हम सब लोग एक साथ होते हैं, हम लोग कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हम कुछ कोशिश करके फेल नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब हम क्लास में जाते हैं हम अकेले होते हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं वो सफल नहीं होता, क्योंकि ट्रेनिंग में जो किया गया वो ट्रेनिंग में किया गया, वो क्लास की चीज थोड़ी थी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, शिक्षक से जो अपेक्षाएं हैं उनको आप एक बार में बहुत सारी 30-40 अपेक्षाएं हो जाती हैं अच्छे प्रशिक्षण प्रोग्राम के बाद, कि हम TLM भी देंगे, बच्चों को ध्यान में भी रखेंगे, बोलने का मौका देंगे, जेंडर की बात ध्यान में रखेंगे, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो एक बार में इतनी सारी चीज़ें लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रशिक्षण को 1 साल में देखें और कहें कि पहले 1 महीने में इतना ही परिवर्तन चाहिए मुझे, फिर अगले महीने में 1-2 और परिवर्तन चाहिए। तो जब आप अपने चाहे गए परिवर्तन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उस क्रम में बांट देते हैं जिस क्रम में शिक्षक के लिए सीखना करना आसान होता है, तो हर महीने क्या होता है, शिक्षक को ये पता है कि अब मैं ये कर लेता हूँ, अब अगला ये करूँगा, ये इसमें मुझे सफलता मिली। सफलता का क्या मतलब है? सफलता का मतलब है कि जब बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं ना, बच्चे कहते हैं बड़ा मज़ा आया, जब आप नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लगता, उस दिन वो शिक्षक बदल जाता है। हमारा काम है शिक्षक को ये चीज़ हम महसूस कराएं कि कैसे बच्चे उसके काम को इतना पसंद करते। अगर कोई कम्युनिटी में कोई कह देता ना, हमें गर्व है कि आप हमारे बच्चे को पढ़ाते हो, तो फिर वो शिक्षक हमेशा के लिए वैसा हो जाता है, उसको वापस पुराने चीज़ में नहीं जा सकता।
सो अगर आप इसको छोटे टुकड़ों में तोड़े, इसको बोलते हैं, आप लोग बाद में देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ स्मॉल विन्स, छोटे छोटे हिस्सों में छोटी छोटी विन्स, छोटी छोटी जीतें अगर आपकी हों तब आप इसको कर सकते हैं। और इसमें एक लास्ट बात मैं ये कहूँगा, वो ये है कि जैसे ही आपका प्रशिक्षण ख़त्म होता है, आप मान के चलिए कि 15 दिन के बाद उसका असर घटना चालू हो जाए, तो 15 दिन के अंदर कोई ना कोई आके, जैसे सरकारी व्यवस्था में माना जाता है कि BRC CRC कोई आएगा, आपके यहाँ ज़रूर फील्ड सुपरवाइजर्स होंगे, कोई सीनियर टीचर होंगे, वो शिक्षक की क्लास में जाएं और जैसा मैंने कहा, सुपरवाइज करने, बताने, दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे सहानुभूति के साथ बात करने के लिए, और क्या करें अब हम लोग, ये करके देखिए, मुझे पता था आप ये कर पाएंगे, ये वाली स्थिति पैदा करके, तो फिर अगले 15 दिन उसका काम चल जाता है। ऐसे अगर होता रहता है तो 2-3 महीने के बाद वो शिक्षक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वो पुराने ढर्रे पे नहीं जा सकते। तो ये अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक सीखें, तो अच्छी बातें करा देने और अच्छी वर्कशॉप करने से नहीं सीखते हैं। इसका एक रोल आउट, एक पूरा षड्यंत्र एक तरीके से है, हाँ, कि आप इसको कैसे करें कि वो सच में बदल जाए। तो शिक्षक की सीखने की प्रक्रिया क्या है, उसके बदलाव का क्रम क्या है, कितने लंबे समय में होना चाहिए, और इसमें हमारी भूमिका क्या है, इस पे जब हम गौर करेंगे तो ये जो आपने मुझे पूछा है, ये इसका आपको उत्तर मिलेगा। ये समझ में आया जितना कहा, सहमत? यस सर, यस बिल्कुल, ठीक है। इसको करके देखिएगा, मेरी, मैं जितनी बातें कह रहा हूँ आप ऐसे मानिएगा नहीं, खुद करिएगा, अगर आपको लगता है ये हो रही है तभी मानिएगा। ओके, एनी अदर पॉइंट एट दिस टाइम, किसी और को कुछ कहना है, सवाल पूछना चाहेंगे या कुछ बोलना चाहेंगे? वी हैव फ्यू मिनट्स। मैम एक सवाल। हां दिनेश बोलिए। सर जैसे कि अभी हम बच्चों की लर्निंग की बात कर रहे थे, तो जैसे NCF के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि बच्चा एक कोई कोरा कागज नहीं है, है ना, वो अपने पूर्व ज्ञान से कुछ ना कुछ बच्चा सीख के ही आता है। जैसे आप बता रहे थे कि बच्ची भेड़ चुगाने जाती है, उस तरीके से बच्चों को कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान होता है। लेकिन जब हम, जैसे आपने AREC के बारे में बताया, तो उसमें जो चिंतन वाली बात है, तो कहीं ना कहीं हम किसी चीज के बारे में चिंतन करते हैं तो उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों हमेशा हमारे सामने आती है। तो क्या हमें बच्चों के साथ या जो फैसिलिटेटर टीचर है उनके साथ मेरिट्स और डीमेरिट्स में इसके दोनों पे काम करना जरूरी है, या फिर मेरिट्स पे काम करना बच्चों के साथ जरूरी है? किस चीज के मेरिट की बात कर रहे हैं, बच्चों के की प्रक्रिया के? सर मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, टीचर की और बच्चों की। ठीक है, सो आइडिया ये है कि बच्चों की जो ताकतें हैं उनका प्रयोग करके उनकी कमजोरियों को हम लोग कैसे पार कर सकते हैं, ये देखना है ना हमको। जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ऐसा चश्मा ओढ़ लें कि हमको उनकी कमियां, उनके गैप्स दिखे ही नहीं, बल्कि हमारा तो काम ही है ना कि उनके गैप्स दूर हों। जो भी कमजोरी है, हो सकता है कि वो कुछ उनको आता नहीं हो, हो सकता है कि वो किसी चीज से कतराते हों, हो सकता है कि उनमें कोई बुरी आदत हो, जो भी हो, हमारा तो उद्देश्य है कि उनका पूरा विकास हो। तो जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं, मैं वो वाली बात आपसे इसलिए कर रहा था क्योंकि अधिकांश तौर पे जब भी हम बच्चों की ओर देखते हैं तो लोग यही कहते हैं, इनको तो कुछ नहीं आता, ये बेकार हैं, ये गाइड और लायक है, ये आगे कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा था कि वो कितना कुछ कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनमें कमियाँ हैं या जो उनमें नहीं है वो हमें नज़रअंदाज करना, बल्कि ये है कि हम उनको इस प्रकार मौके दें, उनके साथ ऐसे काम करें कि वो दूर हों, भले ही वो सीखने की हों, व्यवहार की हों, मानसिक कौशल की बात हो, भावनात्मक बात हो, जो भी हो। तो बिल्कुल ये हमें तो संपूर्ण विकास के लिए काम करना ही है, और पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए वो क्षेत्र जहाँ पे ज्ञान की कमी है उसको दूर करना है। सर इसमें यही था कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि एक क्रमबद्ध तरीके से, मतलब मैं अपन, हेलो आवाज चली गई दिनेश, हाँ मानता हूँ मैं थोड़ा सा इसकी जैसे आप बात कर लीजिए, बच्चे को पहले हम काउंटिंग सिखाते हैं, देन उसके बाद बच्चा फिर नंबर रिकॉग्नाइजेशन करता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, तो क्या ये क्रमबद्ध तरीका एक जरूरी है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सर जैसे कि बच्चा है कोई, उसको काउंटिंग आया, उसको नंबर रिकॉग्नाइजेशन आया,
तो जब उसको हम एडिशन करा रहे हैं तो उसके बाद जो फैसिलिटेटर है उसका क्या एक एम रहता है कि अब मेरे बच्चों को जोड़ आ गया है, 2D जितने का भी आ गया, अब उस बच्चे को मुझे सब्ट्रैक्शन सिखाना है, तो क्या उस बच्चे को हम फ्रैक्शन नहीं सिखा सकते? फ्रैक्शन में भी तो एडिशन होता है. Sure. तो क्या ये क्रमबद्ध तरीका ही अपनाना पड़ेगा कि उस बच्चे को फ्रैक्शन तक पहुंचाने के लिए हमें जोड़ घटाओ गुना भाग सिखाना पड़ेगा, या उस बच्चे को एडिशन आया तो फ्रैक्शन कर सकते? ठीक है, सही कह रहे हैं आप. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, सो एक तो पहले तो ये इस बात को हम लोग थोड़ा सा साफ कर दें कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका अभी तक क्रम स्थायी रूप से फिक्स कर दिया गया है. गणित के अंदर भी कुछ लोग कहते हैं 1 से 9 तक पहले सिखाइए, फिर कुछ लोग कहते हैं 1 से 10 तक पहले सिखाइए, कुछ लोग कहते हैं 1 से 20 तक पहले सिखाइए, कुछ कहते हैं कि नहीं 1 से 5 सिखाइए, उसी के अंदर जोड़ना घटाना सिखाइए, फिर आगे बढ़िए. और सबकी बातें अपना अपना वजन रखती हैं. तो पहली बात तो ये है कि हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि दुनिया में हर एक चीज़ का क्रम पहचान लिया गया, ऐसा नहीं है. गणित तक में नहीं पहचान दिया गया, इसके बावजूद एक मोटी क्रमबद्धता होती है. मोटी क्रमबद्धता इस चीज़ पे आधारित है कि किसी चीज़ को करने के लिए उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है, आवश्यक पूर्व ज्ञान है, अगर वो उस बच्चे में है तब आप उसको कर सकते. जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर 1 से 9 तक पढ़ाता हूँ बच्चे को, 0 नहीं पढ़ाया मैंने, क्या 1 से 9 तक पढ़ाने के बाद जरूरी है कि मैं आगे की गिनती सिखाऊं? क्या 1 से 9 के बाद मैं जोड़ना घटाना नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन अगर उसमें आप ऐसा जोड़ना घटाना कर रहे हैं जिसमें 10 और कैरी ओवर हासिल ये सब चालू हो गया, तब आप अटकने वाले हैं. सो आइडिया ये है कि एक विषय का जो मोटा क्रम है उसको ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अगर आप एक काम को ऐसे करते हैं कि वो बच्चा सीख रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा सीखे. तो अगर कोई शिक्षक कहता है नहीं मैं तो जोड़ के बाद फ्रैक्शन पे जा सकता हूँ, तो मैं ये कहूँगा आप करके देख लीजिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आप दूसरे तरीके से करना पड़ेगा आपको. और ये चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम लोग पिट के ही सीखते हैं, कोई किसी की बात ऐसे सीधे मानता नहीं है और मानना भी नहीं चाहिए, ये करके देखने वाली बातें हैं. इस पर्टिकुलर केस में जोड़ तक सीख लेने के बाद क्या बच्चा फ्रैक्शन सीख सकता है कि नहीं, ये इस पे डिपेंड करेगा कि फ्रैक्शन कैसे सिखाया जा रहा है. अगर 1 में से 4 उतने तक करके छोड़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप 1/4 करना चाहते हैं तब आपने भाग की बात की नहीं है और आप कह रहे हैं ये उसका 1 भाग है 4 भाग में से, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाने वाला है. सो ये इस पे डिपेंड करेगा आपका इस पे अप्रोच क्या है. बेसिकली थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके करें और किसी एक चीज़ को ऐसा जड़ नहीं मान लें, कोई ये धर्म नहीं है कि इसमें ऐसे ही चलना है, ये थोड़ा लोगों को अपने विवेक के अनुसार इसको यूज करना चाहिए. Right. ठीक है, चलिए. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? फिर मैं लास्ट सेक्शन में जाऊंगा. सर आप बढ़िए लास्ट सेक्शन. ठीक है, ऑलराइट, मैं बढ़ता हूँ. लास्ट सेक्शन है कि अभी कोरोना के काल में हमें फिर क्या करना चाहिए. दिस क्वेश्चन आई थिंक कई लोगों ने पूछा होगा इसको, और जैसा कि आप जानते हैं अभी कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जिसको पता है, क्योंकि ज़िंदगी में हम सब लोग पहली बार इस स्थिति को झेल रहे हैं. तो मैं 2-3 चीज़ें ही आपके सामने रख सकता हूँ, और ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि अधिकांश बच्चों के पास घर में स्मार्टफोन नहीं होने वाला है. क्या ये सही है? यस सर. यस सर. है ना, ठीक है. तो हमारे सामने फिर बहुत कम विकल्प हैं, लेकिन जो विकल्प हैं उस पर सोचना चाहिए. जो पहला विकल्प है वो अगेन ये आपके काम, आपका काम कितने स्केल पे है, कितनी पहुंच है और कितने फंड्स आप जुटा सकते, थोड़ा इस पर निर्भर करेगा. पर अगर संभव हो और मान लीजिए लॉकडाउन की स्थिति है, अभी बच्चे नहीं निकल रहे घर से, तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप कुछ वर्कशीट्स जैसी चीज़ें बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें. आप लोग वैसे वर्कशीट यूज़ करते होंगे अपने सेंटर्स में, ऐसा है क्या? तो yes, sir. करते ही yes, ना sir, तो करते हैं, करते हैं ना. सो होगा ये कि वो वर्कशीट ऐसी होंगी क्योंकि वो सेंटर में यूज करने के लिए बनाई गई थी, तो
ऐसी नहीं है कि वो 3 महीने तक लगातार यूज के लिए चल जाए, तो आपको और वर्कशीट की जरूरत पड़ सकती है। तो एक तो आप प्रिंट के माध्यम से, अब कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, फोटोकॉपी के जरिए एक एक तरीका जो यूज हो सकता है कहीं कहीं वो है, अगर कोई न्यूज़पेपर आपको सपोर्ट करना चाहे तो वो ये हो सकता है कि किसी न्यूज़पेपर का आधा पेज रोज बच्चों के लिए डेडिकेटेड हो, जो कि कोई CSR के थ्रू स्पॉन्सर भी कर सकता है। इसका फायदा ये है कि न्यूज़पेपर को थोड़ा रेवेन्यू मिल जाएगा, आपको ये फायदा हो जाएगा कि एक चीज छाप के बच्चों तक पहुंचाने का जिम्मा आपको नहीं लेना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पहुंच रहा है। और इसको कहीं कहीं सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसलिए सपोर्ट करेगी क्योंकि आपके बच्चों के अलावा दूसरों बच्चों तक भी जाएगा ये। इस तरह की सामग्री होनी चाहिए। ऑलरेडी आप लोग अपनी वर्कशीट यूज कर रहे हैं। हमारी टीम बच्चों के लिए कुछ लर्निंग मैगजीन्स बनाती है, अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको देखिए। ये हमारी जो वेबसाइट है mananbooks.in में आपको डाउनलोडेबल मिल जाएंगी। 2 तरह की पत्रिकाएं हम लोग बनाते हैं बच्चों के लिए, जो कि स्पेसिफिकली वर्कशीट जैसी पत्रिकाएं हैं सीखने के लिए। एक का नाम है चहक, ये थोड़े छोटे बच्चों के लिए है जो कक्षा 1 से 4 के बीच में होते हैं, और एक है मितवा जो थोड़े बड़े बच्चों के लिए है जो कक्षा 5 से 8 के बीच में होता है। तो उसमें आपको करीब 100-150 पेजेस का मटेरियल मिलेगा। आप शुरुआत में अगर उस तरह की चीज़ यूज़ करने की स्थिति में हैं और आप करना चाहते हैं तो आप उसको डाउनलोड करके, वो फ्रीली डाउनलोडेबल यूजेबल है, उसको हम लोगों ने कॉपीराइट फ्री किया हुआ है अभी के लिए, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे यूपी में यूनिसेफ ने ऑलरेडी ऐसी सामग्री पोस्टर्स या प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू बच्चों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। कुछ स्टेट्स में जैसे जहां मिड डे मील की सामग्री बच्चों के घर तक जा रही है, वैसे ही वो सामग्री घर तक पहुंचाने के साथ साथ ये चीज़ देने का भी काम शुरू किया है। और अगर नहीं किया है तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं कि क्या संभव है कि ये चीज़ें थोड़ी पहुँचें, और अब लॉकडाउन चूँकि थोड़ा कम हो रहा है तो दूसरे तरीके से भी पहुँचाने की बात हो सकती है। सबसे पहला तो हिस्सा ये है कि हम बच्चों तक अलग अलग तरह की सामग्री पहुंचाने की कोशिश करें। इस पे आपको क्या लगता है, ये संभव हो पाएगा आप लोगों के यहाँ कहीं भी? कई जगह पॉसिबल हो सकता है बट कई जगह पे ये बहुत मुश्किल है ये पॉसिबल ना, क्योंकि आजकल क्या होगा कि न्यूज़पेपर का भी उतना रीच नहीं रहा जितना पहले था। करेक्ट, वो तो बिल्कुल नहीं, मीडिया ज्यादा की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ज्यादा फोकस करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं सर, कुछ रीजन में ये पॉसिबिलिटी है इसकी कि वर्थ की जो ये बताया था ये बच्चों तक रीच हो सकता है, और तो हमारे इधर मेवा हरियाणा और अलोर। तो चूंकि आप लोगों के सेंटर के चलने में कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है, मैं ऐसा मैं मान रहा हूँ, नहीं तो सेंटर चलते ही नहीं, तो क्या आप कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी का जो भी हुआ या SMC जैसा या पंचायत या जो भी कोई और, क्या उन लोगों से ये बात हो सकती है कि इस तरह की सामग्री आएगी और आपका काम है बच्चों तक इसको पहुँचाना, ये संभव है आपके यहाँ? जी बिल्कुल संभव है, लेकिन हम अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पर अभी गाइडलाइंस रिलैक्स होगी तो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बट जब जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली। ठीक है, तो श्योर। तो जैसा मैं कह रहा था, यूपी में ऑलरेडी कहीं कहीं यूनिसेफ ने इसको शुरू कर दिया है और तरीके हैं। अब हम आते हैं थोड़े दूसरी चीजों पे, जैसे ऑलरेडी रेडियो और टीवी का यूज हो रहा है, और पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, और मैंने काफी टाइम से नहीं देखी है रेडियो और सामग्री की चीजें, लेकिन मेरा ये मानना है कि अधिकांश जो चीज़ें आती हैं वो इतनी उबाऊ होती हैं कि बच्चे उसको 10 मिनट के बाद देख नहीं सकते। आप लोगों को क्या लगता है? समझ में नहीं आया सर, थोड़ा दोबारा। ऑलराइट, अभी आजकल बच्चों के लिए सरकार ने टीवी पे और रेडियो पे कुछ कार्यक्रम, कुछ चैनल्स शुरू किए हैं, कुछ स्टेट्स में होगा और कुछ नेशनली भी किए गए हैं। हम ये बात इनकी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर बच्चे के पास डिजिटल साधन नहीं है ना, तो रेडियो ज़्यादा जगह है और टीवी भी कई जगह है, कई बार कम्युनिटी टीवी है, तो क्या ये संभव है कि
जो सरकार प्रसारण कर रही है, कई तरह के चैनल बन गए, अभी तो ये हर कक्षा के लिए एक चैनल चालू करने की बात हो रही है, इस तरह के जो चैनल्स हैं वो अब दिखाए जाना शुरू हो रहे हैं या हो चुके हैं, और ऐसे ही रेडियो में बच्चों के लिए सीखने के लिए कार्यक्रम चालू हो चुके हैं, अलग अलग भाषाओं में, आई थिंक 8-10 भाषाओं में चालू हो गए हैं। तो ये आपके यहाँ या तो टीवी या रेडियो पे आएंगे ही, अधिकांश जगह ऐसा होगा। जो मेरा अनुभव है अभी तक वो ये है कि इस तरह के सरकारी कार्यक्रम में जो भी चीज़ आती है, जैसे कहानी बताने कोई आ जाता है, एक पाठ सिखाने कोई आ जाता है, या किसी चीज़ को समझाने के लिए कोई आ जाता है, तो वो इतने बोरिंग तरीके से करता है कि, और ख़ास तौर पे शिक्षक तो मौजूद है नहीं, तो बच्चे उसको कितनी देर तक अपने आप अकेले सुनेंगे, उसमें भाग लेंगे, और बच्चों को खुद से कुछ करने के लिए होता नहीं है। तो इस तरह की जो सामग्री आती है वो भले ही उसमें अच्छी और सही बातें हों, लेकिन वो बच्चों को जोड़ के नहीं रख पाती है, और चूंकि वो जोड़ती नहीं इसलिए बच्चे उससे सीखते नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को क्या लगता है? सर इसमें दो बातें हो सकती है। सबसे बड़ी बात है जो इंटीरियर जो रिमोट एरिया है हमारे अभी इंडिया की, उसमें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इतना इंश्योर कर पाना सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम तो डिजिटल की नहीं बात कर पाएंगे। हाँ, अभी डिजिटल की बात नहीं हो रही है, अभी रेडियो और टीवी की बात हो रही है। जो भी अगर रेडियो पे भी हो या टीवी पे भी हो, जो क्लास चल रही है अभी ऑनलाइन, जैसे कि बहुत सारे स्कूल अभी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, एक तो हम अभी इसका इंश्योर नहीं कर पाएंगे इतना इंटीरियर रिमोट एरिया में ये सब इसका पॉसिबल हो पाएगा, उसका यूज करना सबसे बात। और यूज भी होता है, जैसे कि अभी बच्चे पहले से इस हैबिटुअल नहीं है ये सब चीजों में, अभी अचानक नया नया हो रहा है, अभी भी अगर किसी के घर में ये एक्सेसिबल भी होगा तो वो इतना यूज नहीं कर पाएंगे, ताकि वो इंटरेक्शन नहीं होता है, उनको कैसे फॉलो करना है वो प्रोसेस नहीं पता है, उसको कैसे पढ़ना है, ये भी अपना में दिक्कत है। ये सही कह रहे हैं आप, ये इससे मैं सहमत हूँ, और ये है बहुत बड़ा इशू। किसी और को कुछ कहना है? सर उसमें प्ले और पाउज और फॉरवर्ड का यदि ऑप्शन होता है टीवी और इस रेडियो में, करेक्ट, तब तो थोड़ा बच्चे उस पे इंटरेस्ट ले भी पाते। हाँ करेक्ट, ये एक इम्पोर्टेंट बात आपने कही, ठीक है। और सर मेरा एक सवाल भी था। हाँ बोले। दरअसल अभी जो बात हुई उस इस उससे थोड़ा हटके है सर, असेसमेंट के बारे में हमको थोड़ा जानना था, आपके एक्सपीरियंस आपके पास काफ़ी है अभी, तो जो असेसमेंट हम लोग बच्चों का करते हैं या करना चाहते हैं जी, तो वो हम लोग के पास जो अभी प्रोसीजर है, हम लोग उसको क्वार्टरली बेस पे करते हैं, ठीक है। तो क्या ये क्वार्टरली बेस पे असेसमेंट करना ये भी प्रेशर क्रिएट करता है उन पे, या ये 6 मंथ और ईयरली होना चाहिए, या इसका और कोई पैटर्न होना चाहिए तो रिटर्न फॉर्म में? तो आपको क्या लगता है बेटर तरीका क्या हो सकता है असेसमेंट का? ठीक है, तो एक तो मुझे ये आपका अच्छा आइडिया लगा कि अगर प्ले और पॉज हो सकता, तो जहाँ जहाँ किसी के पास रिकॉर्डर रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी है, तो अगर किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर लें तो फिर ये प्ले और पॉज वाली बात हो सकेगी, भले ही 100 में एक जगह ऐसा हो, लेकिन इसको करके देखना चाहिए। और इस टॉपिक पे वापस आ जाएंगे हम लोग, मैं असेसमेंट की बात को कर लेता हूँ क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो थोड़ा सा ये स्पष्ट होना चाहिए असेसमेंट हम लोग करते क्यों हैं, और दो इसके अलग अलग पहलू हैं। अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं इसलिए असेसमेंट करता हूँ ये देखने के लिए कि जो मैंने सोचा था मैं कर पाऊंगा वो मैं कर पाया कि नहीं, यानी मेरी बात बच्चों तक पहुंची कि नहीं, तो मुझे अपने काम में आगे क्या सुधारना है। दूसरा, मैं ये देखना चाहूंगा किस बच्चे को किस चीज पे मदद की जरूरत है। और तीसरा, मैं ये देखना चाहूंगा कि ओवरऑल मेरी पूरी क्लास में आगे मुझे क्या करना चाहिए। इसका मैं तो ये है कि हम बच्चे का मूल्यांकन नहीं करते, हम अपने काम का मूल्यांकन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस समय आप बच्चे सारा दारोमदार इस पे आ जा रहा है कि बच्चा ठीक से सीखा नहीं, उसकी जिम्मेदारी है या घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, तो फिर आप असेसमेंट के उद्देश्य से हट के कुछ और चीज कर रहे हैं, आप बच्चों पे इल्जाम लगाने वाला काम कर रहे हैं, तो वो हम उस दिशा में नहीं जा रहे।
तो अगर आप ऐसे ये देखना चाहते हैं कि जो हमने किया है वो बच्चों तक पहुंचा है कि नहीं, और आपको 6 महीने के बाद पता लगता है, तो आप उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, आप कि आपका काम केवल यही थोड़ी है देखना कि बच्चे पढ़ना सीखे कि नहीं, आपको और भी चीजें देखनी है। आपको ये देखना है कि उसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास हो रहा है कि नहीं, यानी आपको एक समग्र रूप से बच्चे को देखना। और इसी वजह से हमारे RTE में और NCF दोनों में जिस तरह के आकलन की बात की गई है वो है कंटिन्यूअस आकलन की बात है, यानी रोज पढ़ाते समय, पढ़ाने के दौरान, दिन के अंत में, और कॉम्प्रिहेंसिव यानी चौतरफा आकलन, ये महत्वपूर्ण है। चौतरफा का मतलब ये हुआ कि केवल संज्ञानात्मक कॉग्निटिव एलिमेंट ही नहीं, बल्कि जो बाकी पहलू है शारीरिक विकास, सामाजिक, मानसिक, इनको भी देखना जरूरी है उतना ही जितना कि किसी विषय को बच्चा अच्छे से सीखा कि नहीं। क्योंकि हमारा एक ट्यूशन कक्षा में और हमारे में ये फर्क है कि हम संपूर्ण विकास का काम कर रहे हैं, हम केवल एग्जाम को पास कराने का काम नहीं कर रहे। तो पढ़ाते समय लगातार देखने का क्या तरीका है और अपने आप को आश्वस्त करने का क्या तरीका है कि जो हमने किया वो बच्चों तक पहुंचा है कि नहीं। सो बेसिकली दो तीन चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। नंबर एक, आप अपना प्लानिंग कैसे करते हैं। तो आप जो प्लान बनाते हैं कि हमारा ये उद्देश्य है, ये गतिविधि, ये क्रिया हम करने जा रहे हैं, इतने टाइम के लिए ये करेंगे, इस क्रम में ये करेंगे, ये सरल होना चाहिए टीचर के लिए। पर साथ में इसमें एक और होना चाहिए कि जो बच्चे नहीं सीख रहे उनके लिए मैं क्या करूँ। और लास्ट एक खाली कॉलम होना चाहिए, जिस दिन पढ़ा लिया, जब पढ़ा लिया पूरे दिन में, तो अंत में उसको अगर जैसा सोचा था वैसा ही हो गया तो टिक मार्क लगा दिया, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ लेकिन कुछ हुआ तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और एक दो शब्द में लिख दिया कि क्यों वो काम पूरा नहीं हुआ, यानी कोई विजिटर आ गया या बारिश हो गई या कुछ। और अगर बिल्कुल नहीं हुआ तो एकदम क्रॉस लगा। तो जब अगली बार प्लान बनेगा तो जिस चीज पे क्वेश्चन मार्क या क्रॉस है उसको ध्यान में रख के प्लान बनेगा। तो पहला हिस्सा तो यही खत्म हो गया कि जो हमारी प्लानिंग है वो हमारे पिछले काम पे आधारित है कि नहीं। अब दूसरा हिस्से पे आते हैं। आप जो भी काम करेंगे वो बेसिकली तीन तरह का काम है। या तो आप मौखिक काम करेंगे, जैसे आप कहानी कविता सुनाएंगे, गीत करेंगे, नाटक करेंगे, चर्चा करेंगे। आप ऐसा काम करेंगे जिसमें बच्चों को लिखना होगा, चित्र बनाना होगा, ड्राइंग करनी होगी, स्लेट पे काम करना होगा। या आप ऐसा काम करेंगे जहां बच्चों को हाथ से कुछ बनाना होगा, करना, जैसे कि मिट्टी के खिलौने बनाए या किसी क्राफ्ट का काम किया, इस तरह का काम। अब जब पहला वाला मौखिक काम आप करते हैं, मौखिक काम के दौरान ये देखना बड़ा मुश्किल है कि कौन कर पा रहा है कौन नहीं कर पा, लेकिन ये देखना आसान है कि कौन नहीं कर रहा। तो मान लीजिए मैं कविता पे काम कर रहा हूं और सारे बच्चे वो हाथी का एक्शन कर रहे हैं लेकिन दो बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो ये मैं पहचान सकता हूँ ये तो कम भाग ले, तो मेरे रिकॉर्ड में क्या चला जाएगा, कौन भाग नहीं ले रहा, और अगले दिन मैं सुनिश्चित करूंगा ये भाग ले। तो इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग बाय एक्सेप्शन, यानी अपवाद की ही रिकॉर्डिंग करना। फिर जहां बच्चों को लिखना होता है वो तो हमारे हाथ में आ जाता है, ये हम घूम के देख सकते हैं, जो बच्चे बनाते हैं वो भी हमारे हाथ। तो ये आप लोगों ने CCE में बार बार पढ़ा होगा पोर्टफोलियो की बात। तो ये जितनी प्रक्रिया मैंने आपसे जिस जो वर्णन किया है ये बेसिकली असली CCE है। जब CCE बना था तो कभी भी समेटिव फॉर्मेटिव की कोई बात नहीं हुई थी, और वास्तव में वो गलत धारणा है, वो इसलिए आई क्योंकि CBSE ने अपने उसमें डाल दिया, इसलिए सब स्कूल करने लगे। और अगर आप ओरिजिनल CCE को देखें तो ये नहीं है। तो नंबर एक, अगर आपको करना है गतिविधि आधारित, NCF आधारित काम, RTE की ओर, RTE से प्रभावित काम, तो आपको इस प्रकार का आकलन, मूल्यांकन नहीं, आकलन करना चाहिए जो पढ़ाने में निहित हो और जिसमें किसी भी दिन 10-15 मिनट से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए शिक्षक। बहुत सारे मॉडल्स हैं, कभी मौका मिलेगा मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा, पर आइडिया ये है कि पढ़ाना और आकलन करने में अंतर नहीं। जैसे जब हम सब्जी बनाते हैं हम चख के देख लेते हैं ना कैसी है, नमक कम है कि नहीं, वैसे ही है। हाँ रति, क्या कौन क्या कह रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए माइक के पास। कौन
कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज जोर से बोलिए, नहीं तो वी कैन कंटिन्यू। नहीं कोई रति कर रही थी कुछ? नहीं सर, वो आवाज उसके माइक्रोफोन से डिस्टर्ब आ रही थी। ठीक है, और चलिए ठीक है, ओके। तो हम आगे, तो एक हिस्सा ये हो गया। अब बात आती है कि हमें क्या सिक्स मंथली क्वार्टरली देखना चाहिए कि नहीं। तो इस पे मेरा सुझाव आपसे ये है, आप अपने करिकुलम का एक बार विश्लेषण करिए। आप ये पाएंगे कि अधिकांश बातें ऐसी हैं जहाँ पे हम, अगर शिक्षक कह दे तो हम मान लेंगे। मान लीजिए शिक्षक ने कहा कि मौखिक क्रिया में ये बच्चे तो भाग ले लेते हैं, ये नहीं ले पाता, तो हम मान लेंगे, हमें जांचने की जरूरत नहीं। लेकिन स्थानीय मान बच्चे समझते हैं कि नहीं, ये मैं जांचना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बच्चों को आगे स्कूल में एंटर करना है, इसलिए ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या होगा कि कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसको औपचारिक रूप से आपको देखना बहुत जरूरी होगा। तो जो मूल्यांकन हम लोग करते हैं उसमें हमने ये पाया कि आपको तीन तरह का काम करना चाहिए। एक है मौखिक काम। मौखिक मतलब मैं जाके बच्चों से कुछ बात करता हूँ, कुछ चित्र दिखाता हूँ, कुछ प्रश्न पूछता हूँ और बच्चे जो कहते हैं उसके आधार पर मैं समझता हूँ बच्चों का लेवल क्या है। दूसरा, हम बच्चों को कुछ गतिविधियाँ करने के लिए देते हैं, कुछ समस्याएं हल करने के लिए देते हैं जिसमें वस्तुएं हैं या ग्रुप में काम करना है, एक दूसरे से बात करनी है, कोई तरीका ढूंढ के निकालना है। ये गतिविधि आधारित मूल्यांकन। और तीसरा हिस्सा इसका है, तब हम कुछ हिस्सा लिखित में जांचना चाहते हैं, बच्चे लिख के हल कर पाते, ढूंढ पाते हैं कि नहीं। होता क्या है कि आमतौर पर मूल्यांकन में अधिकांश हिस्सा लिखित ही हो जाता है, इससे हमको बच्चों की असली छवि नहीं मिलती है। हम केवल यही देख पाते हैं कि वो लिखना सीखे हैं कि नहीं, वो पर्याप्त नहीं है, हमें उससे ज्यादा देखने की जरूरत है। ये काम अगर आप क्वार्टरली करें तो ठीक रहेगा, पर क्वार्टरली करने के पीछे जो मकसद है वो करिकुलम के 100% चीज़ों को नहीं देखना है। करीब 15% ही चीज़ें ऐसी होंगी जो जिसके लिए ज़रूरी है कि इस तरीके से आप देखें, इनको आप पहचानिए और फिर इसकी जांच करें। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप जांच कर लें, और जांच में भी आप क्या करें, आपको बेसिकली तीन लेवल का ही रिकॉर्डिंग करना चाहिए। कौन बच्चा इस प्रश्न को कर पा रहा है, कौन अधूरा कर पा रहा है, कितना भी थोड़ा सा किया पर आगे नहीं बढ़ पाया तो अधूरा ही माने, और कौन बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा। आपको ये तीन चीज़ें ही पता करें। इसीलिए एक प्रश्न पे 8 में से मार्क देने का ये सब झंझट मत करिएगा आप। हर एक प्रश्न पे 0-1-2 होना चाहिए। 0 मतलब बिल्कुल नहीं, 1 मतलब थोड़ा बीच में, 2 मतलब कर लिया। अब आपका क्या काम हो गया कि जब आपके पास वो डेटा आएगा, अगर अधिकांश बच्चे 1 में या 0 में, इसका मतलब पूरी क्लास में इस चीज़ को दोबारा करने की ज़रूरत है। बट अगर अधिकांश बच्चे 2 पे हैं और कुछ बच्चे 1 और 0 पे हैं, इसका मतलब इन बच्चों के लिए इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये दो चीज़ें ही आपको देखनी है। तो ऐसा करके आप अपने काम का आगे का प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये मेरा सुझाव होगा कि आप मूल्यांकन को सरल करें, सिंप्लीफाई करें, बच्चों के लिए भी अच्छा करें, गहरा करें, व्यापक करें, और ऐसे करें कि उस डेटा के आधार पर असली निर्णय लिए जाएं। अगर कि निर्णय नहीं लिया जा रहा तो वो मूल्यांकन करने का कोई मतलब नहीं, वो फिर बच्चों पे केवल दबाव डालने के लिए है। मूल्यांकन का असली ध्येय है कि शिक्षक अपना काम बेहतर से कर पाए। कुछ केसेस में, खासतौर पे बड़े बच्चों के साथ, आप दूसरे तरीके से काम कर सकते हैं। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि हम आपका असेसमेंट ऑन डिमांड, यानी जब आप मांग करेंगे तभी हम आपका मूल्यांकन करेंगे। हमारी समझ में ये जो चीज़ है इसको सीखने में 3 हफ्ते लगते हैं, तो यानी आपको ये अगले 15 तारीख तक करते बनना चाहिए। आप खुद ही तय करो कितने, कब तक आप इसको सीख लो। अगर बच्चे कहते हैं हम 10 तारीख तक सीख के तैयार हो जाएंगे, तो ठीक है, हम 10 तारीख को आपका मूल्यांकन कर लेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, मूल्यांकन में बच्चे आपके पार्टनर बन गए। जब ऐसा हो जाता है तब मूल्यांकन की भूमिका बिल्कुल अलग हो जाती है। हमने जब बिहार में मूल्यांकन को टेस्ट किया, तो एक इंटरेस्टिंग उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ एक टीचर ने, आई थिंक क्लास 7 या 8 में, बच्चों को मनुष्य के कंकाल का चित्र बनाना होता है। उसने सबसे कहा तुम कंकाल का चित्र बनाओ, उस पे लिखो कौन सी हड्डी क्या है। जब बच्चों ने कर लिया तो 40 में से 2 बच्चों को उसने ए दिया और बाकी सब बच्चों को सी या डी मिला। फिर उसने सबको दिखाया, इन बच्चों को मैंने ए इसलिए दिया क्योंकि उनमें ये गुण थे, बाकी में नहीं थे, इसलिए आपको सी या डी मिला। तो उन बच्चों ने कहा कि अगर हम भी ऐसा बना देंगे हमको भी ए दे दोगे? तो उसने कहा बिल्कुल। तो बच्चों ने दोबारा बनाया। अब क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों को ए मिला,
डी एक को भी नहीं मिला, कुछ सी और बी में रह गए। तो आप जानते हैं हर एक बच्चा तब तक उसको करता रहा जब तक कि उसको ए नहीं मिल गया। यानी एक उदाहरण ये है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया ऐसी भी हो सकती है कि वो मोटिवेशन पैदा करे, क्योंकि उसमें एक पारदर्शिता है, खुद से एक लक्ष्य तय करने का मौका है। और खास तौर पे बड़े बच्चों के साथ आप ये कर सकते हैं जो कि कक्षा 3-4 से ऊपर। तो ये मेरा सुझाव होगा मूल्यांकन के लिए। ये ठीक था कि अधिक क्रांतिकारी हो गया आपके लिए? अमर बताइए। नहीं सर, बहुत बढ़िया सर। बाकी ये करते करते होगा, एक बार में नहीं हो जाएगा, पर समझने के लिए मिला बहुत सारा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कोरोना के दौरान हम क्या क्या और कर सकते हैं। आप में से कहीं आप लोग कुछ व्हाट्सएप का प्रयोग कर रहे हैं क्या? आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे जिस गांव में आपका सेंटर है उस गांव में किसी एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है? जी जी है। तो हम क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या सामग्री के थ्रू, या जैसे आपने बोला अपने खुद ही एक कहानी एक किताब दिखा के उसको रिकॉर्ड करके बच्चों को दिखाने का काम, ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं? जी सर, ये तो कर ही रहे हैं, ये तो प्रोसेस कर ही रहे हैं आप। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं उसमें? अभी सर जैसे प्रीति मैम ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगी, एक लोग ब्लेंडेड ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि टीचर्स के पास पहले हमारी ट्रेनिंग टीम मिलके बहुत सारा मटेरियल हैंडआउट ये सब वीडियो ये सब उसमें रेडी कर रही हैं, और हर गांव में जितने भी जिस गांव में टीचर्स के पास स्मार्टफोन है उनके पास वो चीज़ भेजी जाएगी और उसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर वो आगे उसको एक्सेस करेंगे बच्चों। ठीक है, और अभी जैसे कोविड के अवेयरनेस के लिए भी हम लोगों ने एक प्लान प्रोग्राम चलाया था, उसमें भी यही था कि टीचर्स को सारा मटेरियल भेज दिया गया व्हाट्सएप के थ्रू, और फिर उस पर उनसे पूरी चर्चा हुई बाकायदा हमारे ट्रेनर्स ने, पहले हमारे ट्रेनर की ट्रेनिंग हुई फिर उनकी, फिर उन्होंने वो कम्युनिटी में आगे। सो शिक्षक और कम्युनिटी के बीच में कैसा है वो? अभी तो कम से कम कई जगह जहाँ पे कोविड नहीं है वहाँ पे तो आवक जावक होगी ना? अभी लोग खुद से ही डर रहे हैं, बट थोड़ी बहुत आगवत जावत की तो थोड़ी इजाज़त है, और टीचर चूंकि हमारी उसी कम्युनिटी से होती हैं, उसी गांव से होती हैं, तो उनका थोड़ा बहुत कनेक्ट तो है। या एक्चुअली इसमें सीमाएं बहुत सारी हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि वही फ़ोन बच्चों को अलग अलग घर में ले जाके दिखाए तो फिर वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी एक फैलने का जरिया हो सकता है। तो ये एक हमारे सामने सीमा है ज़रूर। एक गांव में मैंने पढ़ा था कहीं कि वो जो उनके मंदिर का लाउड स्पीकर था उसके थ्रू बच्चों के लिए कुछ चीज़ें कर रहे थे, इसके बारे में क्या विचार है आपका? सर वो तो पॉसिबल, क्योंकि मंदिर तो नहीं चल रहे हैं अब, तो कम से कम लाउड स्पीकर का ये उपयोग तो हो सकता है। जी सर, आप सोच रहे हैं, हम लोगों को तो अभी आपके सोचने के बाद ही दिमाग में ये चीज़ है। बेसिकली देखिए सब लोग फंसे हुए हैं, संसाधन ढूंढने हैं, जिस भी कोने से हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो हमारे जैसे ग्रुप ने, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि जो हमारे पास बहुत सारी सामग्री थी वो हमने अभी फ्रीली अवेलेबल करा ली है, आप उसको देखें। और इसके अलावा जैसे आप लोग जो ट्रेनिंग बना रहे हैं, अभी हम राजस्थान के टीचर्स के लिए ऐसी ट्रेनिंग बना रहे हैं, हालांकि वो थोड़ी दूसरे तरह की होगी। उसमें यह है कि 40 मिनट का काम शिक्षक को हमारे अपने फ़ोन से करना, लेकिन उस फ़ोन में उसमें हर दो दो तीन मिनट में कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें आती हैं और शिक्षक को एक्चुअली कुछ करना होता है, तो वो काफ़ी इंटरैक्टिव है वो, और उसके बाद उसे अपने एरिया में उसके आधार पर कुछ चीज़ों का क्रियान्वयन भी करना होता है। तो ये भी अगले 10 दिन में तैयार हो जाएगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरले। ओवरले सर मैं कुछ पूछना चाह रहा था। सर पूछिए। सर जैसे आपने भी बताया कि लाउड स्पीकर के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं बच्चों के साथ में, और सर एक वो जो टेलीविजन और रेडियो वाला था सर, ये जो माध्यम है सर ये एक तरफा वन साइडेड कम्युनिकेशन का जरिया हो जाएगा सर, जैसा कि आपने
लगता है कि टेलीविजन और रेडियो पे बच्चे बोर हो जाते हैं, तो क्या वही करेक्ट, मैं उसी की बात करने जा रहा था, तो हम लोग मूल्यांकन में चले गए, तो थोड़ा इसकी मैं बात कर लेता हूँ, फिर आप देखिए इस विचार के साथ आप क्या कर सकते हैं, है ना। देखिए हमारे सामने दो तरह की चीजें होंगी, या तो हम लोग खुद ही ऐसी एक चीज बनाएंगे जहाँ हम अपनी ओर से बना के बच्चों को सीधे दे रहे हैं, जैसे कि लाउडस्पीकर। दूसरा होगा कि एक बनी बनाई चीज है जो हम हमारे जिसपे जिसके बनने में हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहा है वो हम पहुंचा रहे हैं, जैसे टीवी में जा रही है। दोनों के साथ क्या संभावना है, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बच्चों मैं लाउडस्पीकर पे एक तरफा मुझे कोई बात करनी है, तो मैं ये बात करूंगा कि आज मैं अपने गांव के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं तीन बातें बताता हूं पर उनमें से एक गलत है, और फिर मैं तीन बातें बोलता हूं जिनमें से एक गलत है, फिर मैं कहता हूं कि अपने आसपास जो भी है माता पिता या कोई बड़े उनसे पूछो कि तुमने जो सोचा है वो सही था कि नहीं, और फिर मैं रुक जाता हूं। तो देखिए जब हम लाउडस्पीकर पे, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमको बोलते ही जाना है, ये है कि बच्चों ने जो सोचा है वो हम नहीं देख पा रहे, पर आसपास कोई और हो सकता है, जो भाई बहन, कोई बुजुर्ग, कोई चाचा मामा माता पिता, कोई ना कोई तो हो सकता है ना। तो हम ऐसी चीजें बना सकते हैं जहाँ पे हमारे कुछ कहने के बाद बच्चों को कुछ करना हो। उदाहरण के लिए मैं कहूँगा कि पता करो कि तुम्हारे पिता के मुंह में कितने दांत, और फिर मैं रुक जाऊंगा आराम से 5-10 मिनट के लिए। तो ऐसी मजेदार चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी जो करने में रोचक हैं, जिनमें कुछ गिनना, करना, लिखना, सोचना, प्रयोग करना, ये सारी बातें शामिल होंगी। सो ये हमारी एक बेसिकली इसमें जो सीमा है वो हमारी कल्पना की है कि हम उस कितना कल्पना कर पाते हैं कि इस माध्यम से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक रिकॉर्डिंग बजानी है, तो मैं एक गीत बजाता हूँ और मैं कहता हूँ मैं उसका पहला हिस्सा बजा रहा हूँ, इसमें ये वाला शब्द कितनी बार आया ये सबको देखना है। तो मैं गीत बजाता हूँ उसमें वो देश सबको, जैसे एक देशभक्ति का ही गीत मान लीजिए आपने बजा दिया, उसमें देश शब्द कितनी बार आया देखना है, आप इतना ही बजाइए कि वो 4-5 बार बच्चा गिन के पकड़ ले। अब बच्चे को अपना जवाब जो देना है वो किसी बड़े को दे सकता है, वो व्हाट्सएप से किसी और तरीके से आप तक पहुंचा सकता है, वो एक आगे की बात है। पर पॉइंट ये है कि जो भी कुछ हम दे रहे हैं बच्चों को, क्या हम ऐसे दे सकते हैं कि उसको केवल निष्क्रिय होकर सुनना नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं टीवी पे अगर मुझे एक फिल्म दिखानी हो जो कि 15 साल पुरानी फिल्म है, जो है 3 मिनट की, लेकिन मेरे पास कुछ और फिल्म नहीं है उस दिन, तो मैं बच्चों से ये कहूँगा, पहले दिखाने के पहले मैं ये कहूँगा, ये जो फिल्म मैं दिखा रहा हूँ ना, आपको देख के पता लग जाएगा कि ये पुरानी है, पर आपको इस फिल्म को देखते देखते ये सोचना है कि इस फिल्म के समय में और आज के समय में क्या अंतर है, क्या फर्क आ गया है। तो अब क्या है, वो भले ही बोरिंग फिल्म हो, भले ही एक तरफा हो, लेकिन उसको देखने का कारण बदल गया ना। इसको मैं कह रहा हूँ ओवरले। ओवरले का मतलब है कुछ एक बना, उसके ऊपर मैंने कुछ लगा दिया, जिसकी वजह से वो चीज जब मैं देखता हूं तो मेरा कारण केवल उसको देखना नहीं पर किसी और कारण से मैं उसको देख रहा हूं। तो अगर आपको ऐसे एक तरफे माध्यम का प्रयोग करना ही पड़े तो आप उसको भी सक्रिय बनाने के लिए कोशिश करिए। ये वैसा नहीं होगा जैसे आमने सामने जैसा होता था, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि टोटली एक तरफा रह जाए। ये बात समझ में आई, कुछ कहना है किसी को? I think समझ में आया है, और किसी को कुछ कहना है तो बताइए प्लीज। Okay, so this is all very preliminary. इस पे आगे जैसे जैसे काम होगा हम आपके साथ और शेयर करेंगे। और लास्टली एक लर्निंग को एक इंडिविजुअल एक्टिविटी की तरह मत देखिए कि ये अकेले बच्चे को करनी है, बल्कि ग्रुप में करनी है, एक फैमिली को यूनिट मानिए। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप पूरी फैमिली के लिए करें, पूरे गांव के लिए करें, ना कि एक बच्चे विशेष के लिए करें। जब आप ऐसे देखेंगे तो और सारे आइडियाज खुलेंगे। तो आई थिंक अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ, अगर किसी को कुछ कहना है तो कहिए, और आई एम श्योर काफी लंबा टाइम हो गया है। हाँ
जी सर बिल्कुल आई एम श्योर. एक लास्ट बार ओपन कर लेते हैं कि अगर किसी को कुछ बोलना हो या पूछना हो तो, एंड फिर उसके बाद डेफिनेटली वी कैन स्टॉप. क्या कोई कुछ बोलना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो एक लास्ट हम ले सकते हैं क्विकली, अगर किसी को कुछ शेयर करना हो या कुछ बोलना हो या कुछ पूछना भी हो तो. ठीक है, आई थिंक मैं यही अज्यूम कर रहे हैं कि अभी के लिए आई थिंक एवरीबॉडी. एनीवे यू कैन सर्कुलेट माय ईमेल, किसी को बाद में कभी भी कुछ ख्याल आए आप मुझे मेल लिख सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा. बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं दो तीन बातें बोलना चाहूंगी. सबसे पहले तो शुभांगी वाज आल्सो हियर.